चलिए विल स्टार्ट अवे विद टू लेक्चर अभी जो हम लोगों ने कल किया था ऑब्वियसली वो वाला चीज तो आज आ ही जाएगा प्लस उसके हिसाब से जो भी अपने बाकी क्वेश्चन हैं, वो भी मेरे ख्याल से आज तुम्हारा जो ईओ क्यू वाला पार्ट है और प्लस जो तुम्हारा एक आर ओ एल वाला पार्ट है ऑल दीज विल स्टार्ट टू गेट ओवर ठीक है तो हम लोग अभी यही चीज से स्टार्ट वो कर लेते हैं uh, सुनो हम लोगों ने कल जो काम किया था इट टेक मी मिनट टू बी है रिकेप ऑफ दैट ओके सो आर ओ एल आर ओ एल इज कैलकुलेटेड यूजिंग वर्स थिंग्स इन लाइफ वर्स थिंग्स मतलब मैक्सिमम कंजम्शन इन टू मैक्सिमम लीड टाइम ओके अगर बफर स्टॉक रखने का फंडा होएगा तो बफर स्टॉक भी ऐड कर देना ठीक है उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट वाला चीज मैक्सिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल मैक्सिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल ऑबियसली वी ऑर्डर एट वट लेवल आर ओ एल पर ऑर्डर कर दो उसके बाद तुमको ऐसा सिचुएशन सोचने का है कि तुम्हारे पास हाइएस्ट स्टॉक हो तुम्हारे पास हाइएस्ट स्टॉक कब होने वाला है दिस पर्टिकुलर केस सप्लायर विल कम इन द फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम बोले तो लीड टाइम द मिनिम लीड टाइम ऑब्वियसली उस दिन सप्लायर क्या लेकर आ जाएगा द न्यू क्वान्टिटी दट ही फोर प्लस आर ओ क्यू उसके बाद हम लोग मिनिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल करके तो कुछ सीखा ही नहीं एक्चुअली सीखा लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता कल मेरे ख्याल से मैंने वो प्रूव भी किया था सो इन दिस पर्टिकुलर केस मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल यूजल केसेस के अंदर तेरा मिनिमम लेवल कहां तक जाना चाहिए तो आर ओ एल पर ऑर्डर किया यूजअली तेरे साथ क्या होगा इट विल बी एवरेज कंजम्पन इन टू एवरेज लीड टाइम ठीक है That will be your next thing. फिर उसके बाद एवरेज स्टॉक लेवल एवरेज स्टॉक लेवल इन दिस पर्टिकुलर केस उसके दो फॉर्मूला होते हैं फर्स्ट फॉर्मूला जिसका एस सच कोई लॉजिक वगैरह वो नहीं है तो आईसीए क्या कर लेते हैं दे लव दिस फॉर्मूला वैसे मैक्सिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल प्लस इन दिस केस मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल डिजायरेबल स्टॉक लेवल ये दोनों को एडअप करके डिवाइडेड बाई टू कर देने का अगर ये वाला काम नहीं करने का तो अ बेटर फॉर्मूला आज तक तुम्हारा जो एवरेज स्टॉक था ना Q बाई टू था Q बाई टू बोले तो जो पुराना वाला तुम्हारा Q था अब से तुम्हारा आर ओ क्यू बन गया ठीक है और इसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगा मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल ठीक है अब ये वाला चीज क्यों होता है एक क्वेश्चन के अंदर मैं प्रूफ तो कर ही दूंगा अभी अगर आज का लेक्चर इसका लॉजिक में ट्राई करूं वो बोलने का आई ट्राई दैट आई एम नॉट श्योर कि तुमको शायद बगैर उस एग्जाम्पल के समझ में आएगा बट आई ट्राई दैट ओके बेसिकली केसेस के अंदर दिस इज योर मिनिमम लेवल यूजल केसेस के अंदर तुम्हारा स्टॉक इसके नीचे नहीं जाना चाहिए इज दिस ओके कल हम लोगों ने मेरे ख्याल से यही वाला काम किया था करेक्ट नो no? तो यूजुअल केसेस के अंदर तुम्हारा स्टॉक इससे नीचे वो नहीं जाएगा तो पूरे साल मेरे पास हमेशा इतना स्टॉक तो रहेगा ही रहेगा तो मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल इतना मेरे पास स्टॉक तो होगा ही होएगा प्लस तो इसके अलावा आप जो भी यूनिट्स कंज्यूम सॉरी आप जो भी यूनिट्स ऑर्डर करोगे वो इवनली कंज्यूम होता जाएगा सो माय एवरेज स्टॉक विल बी एक्चुअली सम ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स विच टू डिफरेंट थिंग्स एक अपना वो वाला स्टॉक जो पूरे साल रहेगा that will be nothing but minimum desirable stock क्योंकि usual cases के कंज्यूम तो तो बस तो हो, होता रहेगा तो हम लोग बस इसी को एवरेज आउट वो कर देंगे मेरे को एक बार ये वाला चीज बोलने का ट्राई तो करो ऑल मैंने परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया away, को बोलो इसको अपॉन टू फिर क्यों नहीं कर रहा क्योंकि ये वाला स्टॉक तो हमारे पास थ्रू आउट ही रहेगा सपोज इफ आई विल गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल अभी मेरे घर में एक रूल है कि ना हमारे पास दो किलो चावल तो हमेशा होने ही चाहिए ठीक है प्लस वी ऑल ऑर्डर कंज्यूम करते रहते हैं जब दो किलो बच जाता है अगेन वी ऑर्डर तो मेरे पास अगर हर दिन दो किलो का स्टॉक तो मिनिमम है ही है तो पूरे साल के लिए भी दो किलो का स्टॉक तो है ही है ओके प्लस जितना भी ऑर्डर करेगा वो धीरे 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 रेगुलरली कंज्यूम होता रहेगा सो माय एवरेज स्टॉक विल बी टू के का मिनिमम स्टॉक दैट आई विल हैव इन एनी केस प्लस जो भी मैंने परचेज किया वो इवनली कंज्यूम वो होता रहेगा इसके लिए जो पहले अपना फॉर्मूला था वो क्यू बाय था लेकिन क्या है उन फॉर्मूला एक मिनट यू ऑल रिमेंबर की क्यू बाई नो ये ये भी q बाई टू ही है बस अब मैं q बाई टू को मैं q को अब से क्या बोलना स्टार्ट कर देता हूं दैट बिकम्स वर्ट यार okay. आर ओ क्यू ओके तो आर ओ क्यू जो है इन दिस पर्टिकुलर केस ये वाला चीज तो पहले भी था लेकिन अभी उसके अलावा क्योंकि क्या है वहां पर ना हमारा एक अजम्पन था लीड टाइम इज जीरो गे? लेकिन अगर लीड टाइम आ जाएगा तो हमारे पास सर्टन लेवल ऑफ स्टॉक हमेशा वो पड़ा रहेगा दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी नथिंग बट मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल ठीक है आपको नंबर बाय नंबर आई ट्राई टू प्रूव यू इन वन ऑफ द क्वेश्चन जिसका मैंने कल रेफरेंस भी दिया था ठीक है चलो सिक्सटी या सेवेंटी परसेंट समझ में तो आ ही गया रहेगा जस्ट वेट फॉर द नंबर्स टू हैपन ठीक है अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री से ओके पढ़ेंगे जरा प्लीज यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉर कॉम्पोनेट सिक्सटी चलो ठीक है कोई एक कॉम्पोनेंट का नाम होगा जैसे कल एक्स और वाई था आज सिक्सटी है प्लीज सिक्स को कोई कैलकुलेशन के लिए यूज मत करना मैं पागल हो जाएगा ओके ए रीऑर्डर लेवल आपको आर ओ एल कंप्यूट करना है बी आर ओ क्यू कंप्यूट करना है सी मिनिमम लेवल एंड डी एवरेज स्टॉक लेवल चलो ठीक है अच्छा पहले मेरे को जरा बोलो आरओ एल का फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम कंज़म्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम प्लस लीद। बफर स्टॉक इफ एनी ठीक है तो वो देख लेंगे कि ना बफर स्टॉक है कि नहीं सुनो ओ क्यू मेरे बोलो चारों फॉर्मूला के अंदर से कौन से फॉर्मूला के अंदर आता है आर ओ क्यू मैक्सिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल तो अगर देखोगे ना इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल नीचे देके रखा हुआ है ये इसलिए देके रखा हुआ है ताकि यू कैन कंप्यूट दिस एस योर बैलेंसिंग फिगर ठीक है आगे मिनिमम लेवल बोले तो मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल और उसके बाद डी एवरेज स्टॉक लेवल तो अपने को चार चीजें कंप्यूट करना है डेटा कॉम्पोनेंट सिक्सटी इज वन ऑफ दउजेंड ऑफ द आइटम्स kept in the the stores of manufacturer. so, तो इन is one of the many types of raw material. वैसे भी हम लोग हर टाइप ऑफ रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन अलग अलग ही करते हैं बॉस ओके तो वो लोग बस वही बोल रहे हैं दिस इज वन ऑफ द मेनी टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल ठीक है एक्सपेक्टेड कंजम्पशन पर मंथ एक्सपेक्टेड कंजम्पशन पर मंथ 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 तो जरा नीचे भी चेक करो एस्टिमेटेड डिलीवरी पीरियड वो भी मंथ्स के अंदर ही है एक मिनट तो वो भी पर मंथ है ये भी मंथ्स के अंदर ही है तो मेरे को बोलो सब कुछ बराबर है कि नहीं बराबर है। बराबर ही है ना तो यहां पे अपने को को किसी किसी चीज फॉर्मेट के पर कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है अभी सुनो मैक्सिमम थ्री थाउजेंड है मिनिमम सोलह सौ है अगर कुछ और नहीं दिया हुआ टेक एवरेज एज कल अपना लेक्चर इसी के ऊपर खत्म हुआ था टेक दैट इज सेंटर नंबर तो दिस प्लस दिस अपॉन टू कर देगा टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड आ जाएगा सब लोग मेरे को बोलना बिकॉज यू ऑल हैव मच मोर नॉलेज एज कंपेयर टू द इंस्टीट्यूट तुमको समझ में आता है दिस इज रॉन्ग एक्चुअली कल साढ़े चार सौ था मैंने दोनों को एड नहीं किया था प्लीज स्विच ऑफ योर माइक प्लीज तो मैंने कल दोनों को एड नहीं किया था मैंने कल क्या किया था सर फि टू ऑब्जर्वेशन को एड किया डिवाइडेड बाई फिफ्टी टू किया ओके दैट इज द करेक्ट वे टू बी डूइंग लेकिन कल मैंने बोला भी था माय क्वेश्चन इज द ओनली करेक्ट क्वेश्चन अमंग ऑल बुक्स दैट आर देयर अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड ओनली ओके लेकिन उतना डेटा इंस्टीट्यूट कभी देगा नहीं तो मजबूरी के अंदर इन दिस पर्टिकुलर केस हम लोग वो वाला सेंटर नंबर वाला फंडा यूज कर लेंगे एस्टिमेटेड डिलीवरी पीरियड मैक्सिमम फोर मंथ मिनिमम टू मंथ तो यहां पर जो आपका एवरेज है वो कितना आ जाएगा बेटा थ्री मंथस ठीक अच्छा ये वाला चीज अभी ध्यान में रखना बफर स्टॉक जीरो पॉइंट फाइव मंथ एवरेज कंजम्शन ठीक है तो अभी मैं क्या करता हूं मैं तुमको ना सम स्टार्ट करवा देता हूं उसके बाद यू ऑल फिनिश ऑफ द सम मेरे को एक्चुअली कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर ओके तो एक काम जरा करो पहले तुम लोग क्या करना आ, लिखो जरा प्लीज एवरेज कंजम्प्शन पर मंथ इज़ इक्वल टू थ्री थाउजेंड मैक्सिमम था सिक्सटीन हंड्रेड मिनिमम था डिवाइडेड बाई टू टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड यूनिट आगे एवरेज लीड टाइम फोर मंथ्स मैक्सिमम टू मंथ्स मिनिमम डिवाइडेड बाय टू तो थ्री मंथ्स उसके बाद देखो एक और डेटा में प्रोसेस कर रहा हूं बफर स्टॉक जीरो पॉइंट फाइव मंथस एवरेज कंजम्पशन तो बेटा एवरेज कंजम्पशन तो निकाला ना तो यहां पे अभी जरा लिखना बफर स्टॉक पॉइंट फाइव मंथस एवरेज कंजम्पशन तो बेटा दिस इज कंजम्शन फॉर वन मंथ आई वॉन्ट पॉइंट फाइव मंथ्स तो उतना हम लोग बफर स्टॉक रखता है वन वन फाइव जीरो यूनिट्स चलो सुनो अपना जो काम है वो हो गया अभी तुम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो अभी इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम लोग को वो नहीं मालूम बस एक मिनट के लिए वेट करना देन यू ऑल कैन स्टार्ट ठीक है देन आई नॉट इंटरफेयर इन योर वर्क थिंग्स यूल बाकी के अंदर है। आप लोग ना बिल्कुल इसी के अंदर जाओ। ये तुम्हारा पार्ट ए है।, है पार्ट ए है पार्ट बी ना यही वाला लिखना लेकिन पार्ट बी के अंदर इन दिस पर्टिकुलर केस मेरे को जरा बोलो तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर क्या होगा तुमको निकालना रो क्या रो है आरओ क्यू सो दिस विल बी ऑर बैलेंसिंग फिगर ठीक है उसके बाद इन दिस पर्टिकुलर केस एक सेकेंड यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल तुम्हारे पास है बाकी सब कुछ लिख लेना आर ओ क्यू विल बी दी बैलेंसिंग फिगर उसके बाद मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल आप लोग वो निकाल लेना लास्टली एवरेज स्टॉक लेवल विल बी मैक्सिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल जो सत्रह हजार है प्लस मिनिमम तब तक तुम लोग को मिल जाएगा डिवाइडेड बाई टू अगर ये वाला पार्ट नहीं करने का होगा अगर ऐसे वो नहीं करना यू शुड ट्राई टू बी डूइंग बाई बोथ द मेथड्स ओके फिर मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल प्लस आर ओ क्यू टू करके ये वाला आंसर निकाल लेना ठीक है आप लोग स्टार्ट करो और खत्म करो यू डोंट रिक्वायर माय इंटरफेरेंस एट ऑल अगर चाहो पहले फॉर्मूलाज देख लो या एक करके काम वो करते रहो अगर किसी का क्वेश्चन हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करना और उसका पार्ट ए सॉल्व करने का ट्राई करना First answer one three one five zero units ROQ seven zero five zero units. मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल शायद सिक्स टू फाइव जीरो आता है और लास्ट वाला दोनों फॉर्मूला से निकाल लेना लास्ट फॉर्मूला के अंदर इट इज मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन टू इट इज नॉट आर ओ क्यू प्लस मिनिमम अपॉन टू इलेवन थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी फाइव आएगा ये चीज large for 9775. Hmm. आपका जो मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल था सिक्स टू फाइव जीरो प्लस सेवन जीरो फाइव जीरो अपॉन टू एक मिनट और दे रहा हूं बेटा खत्म करना बेटर टू राइट ऑन बोथ वो आधा मिनट ही एक्स्ट्रा जाता है, बट इट इज बेटर टू बी राइटिंग बोथ द तो क्या है कि कोई डाउट नहीं रहता एग्जामिनर को करेक्ट ही देना पड़ेगा और कुछ नहीं क्योंकि अभी तक आईसीए बाई डिफॉल्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करता है लेकिन कोई एक क्वेश्चन के ना उन लोगों ने ये वाला भी कर ही लिया था तो इसलिए आई डोंट ट्रस्ट देम एक्चुअली वो ही एक प्रॉब्लम है, तो है। हां जी हां जी हाँ जी वो अलग ही आएगा बोथ ऑफ देम फर्स्ट वाले का तो कोई लॉजिक नहीं है सेकंड वाले का आई हैव टूल वो करेक्ट लॉजिक है तो अलग ही आएगा हमेशा चलो सुनो मेरी बात ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर स्टार्ट करते हैं अभी ये वाला क्वेश्चन मैंने मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन के लिए बोला था तुम लोग को याद होगा वो जो कैटेगरीज वाला क्वेश्चन था कि मिनिमम दस बार वो पूछ चुके ये उसका भी बाप क्वेश्चन है दिस हैज बीन आस्ट अराउंड एटीन टू नाइनटीन टाइम्स इन एग्जाम ऑन अ सेफर साइड यू ऑल कैन राइट डॉन मिनिमम फिफ्टीन टाइम्स ओके नाउ अभी

कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज रुपीज हंड्रेड नाउ वी आर ट्राइंग टू लिंक अप हाउ मच टू ऑर्डर एंड वेन टू ऑर्डर ठीक है तो हम लोग दोनों चीजों को अभी इकट्ठा लेकर आ रहे हैं मेरे कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इस चीज का सिंबल क्या था बेटा सी ए नो दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट ठीक है आगे एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट तो दिस इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दिस इज सी आई और अभी ये बाकी डेटा इसलिए दिया हुआ है ताकि तुम लोग सारे के सारे लेवल्स कंप्यूट कर सको नॉर्मल यूसेज 50 यूनिट्स पर वीक मिनिमम यूसेज 25 यूनिट्स पर वीक मैक्सिमम यूसेज 75 यूनिट्स पर वीक रीऑर्डर पीरियड फोर टू सिक्स वीक्स अच्छा तो मिनिमम फोर है मैक्सिमम सिक्स है कुछ नहीं बोला तो एवरेज कितना हो जाएगा फाइव ठीक Uh, वो हम लोग लिख भी देंगे जब हम लोग सम स्टार्ट करेंगे कंप्यूट फ्रॉम दी अब तुम लोग ना सिर्फ एबीसीडी ई e ही करने वाले हो एफ वो मैंने अलग से बनाया वो एंड के अंदर देखेंगे अभी के लिए ए बी सी डी ई एफ कंप्यूट फ्रॉम दबव ए आर ओ क्यू सेकेंड आर ओ एल थर्ड मिनिमम लेवल फोर्थ मैक्सिमम लेवल फिफ्थ एवरेज चॉकलेट अभी तुमको समझ में आएगा दिस क्वेश्चन इज नॉट सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन क्योंकि पिछले क्वेश्चन के अंदर आर ओ क्यू निकालने के लिए मेरे को मैक्सिमम स्टॉक लेवल दिया हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर तो ये भी चाहिए और ये भी चाहिए तो इस क्वेश्चन के ना वैसे तो होने नहीं वाला तो अभी सब लोग को मेरे ख्याल से आइडिया तो लग ही गया मेरे को बोलो यहां पे आर ओ क्यू वैसे नहीं निकलेगा जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर निकला मेरे को बोलो यहां पे आर ओ क्यू विल बी नथिंग बट ई क्यू इट इज अ क्वांटिटी दैट यू ऑर्डर राइट मेरे को सी ए और सी आई इसके लिए दिया ताकि मैं ईओ क्यू कंप्यूट कर सकू ना यार इओ क्यू का फॉर्मूला तो तुमको बचपन से आता है ओके अभी ध्यान से सुनना ओके मैं तुमको जितना टाइम दे रहा हूं ना दैट इज माई बिगेस्ट हिंट ओनली, दैट यू हैव टू बी अप्लाइंग योर ब्रेन्स। मैं तुमको तीन मिनट दे रहा हूं इो क्यू का फॉर्मूला यूज करके जो भी आंसर आएगा मेरे को मैसेज करो ठीक है तीन मिनट दे रहा हूं तो बराबर से यूज करना जिन लोगों ने आंसर दिया हुआ है ऑलरेडी मेरे को जब ये पिछला क्वेश्चन हो रहा था वो गलत है अभी तक जो भी आंसर आए सब गलत है अ पर्सन नॉट नाउ रीटाइप आंसर जिसने एक बार दे दिया दे दिया काम खत्म ठीक है जिन लोगों का बाकी है वो लोग अपना आंसर देने का ट्राई करो एवरीबडी ओनली गेट्स वन चांस इन एग्जाम मैं तुमको एग्जाम के ना थोड़ी बता पाऊंगा कि राइट है कि रॉन्ग है किसी का करेक्ट होएगा तो मैं बोलेगा वरना यू ऑल के नज्यूम की गलत है आराम से सोचो ईओ क्यू के अंदर हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ है मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं कुछ किस चीज का डाउट इस क्वेश्चन का तो नहीं तो नहीं पूछो तो बाद में पूछो अगर मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूं मतलब योर आंसर्स आर ऑल रॉन्ग गीता करेक्ट है करेक्ट है दीप आप मेरे को क्वेश्चन आप मत पूछो बेटा यू नो द आंसर्स टू दो पर्टिकुलर थिंग्स हम लोगों ने उसके अराउंड बारह क्वेश्चन किए यार तो खुद ब खुद सोचो कुणाल मनमोहन सराफ करेक्ट है अभी तक तीन लोग के आंसर्स करेक्ट है सब गलत सब गलत उसके बाद भी गलत सब गलत चलो टाइम खत्म हो गया तुम्हारा अच्छा सी ए तो मैंने बता दिया था हंड्रेड सी आई तो मैंने बता दिया था फिफ्टीन एक ही चीज तो ढूंढना था दैट वॉज ए सर दिस इज मंथली सर मैंने इंटू ट्वेल्व कर दिया तो बारह हजार आ गया सर ये तो ईयरली ही है सर दिस इज ए क्या एक मिनट फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे पहले मेरे को एक चीज जरा बोलो और श्रीधर करेक्ट है सुनो मेरे को एक चीज जरा बोलो ए का मतलब क्या होता था हम लोगों ने तो लिखा भी था देखो जहां पे तुम्हारा ये वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ था ए का मतलब तुम लोगों ने अच्छी तरीके से लिखा था मेरे को एक बार ए का ना बराबर से फुल फॉर्म बताओ ना जो तुम्हारी नोटबुक्स लिखा था फॉर द फर्स्ट टाइम सिंबल्स यूज करके उसके नीचे देखो फर्स्ट सिंबल ए था सबसे पहला काम ही किया था बोलो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्या 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 ऑफ रॉ मटीरियल बस 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 राम इंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट जेड तो बेटा जेड जो है ना वो रॉ मटीरियल नहीं है जेड जो है आगे बोलो ना कुछ वो तुम्हारा फिनिश कुछ है अगर मैंने इसको ट्वेल्थ से मल्टीप्लाई भी कर दिया ना दिस विल गिव यू मंथली डिमांड फॉर जेड मतलब मार्केट के अंदर जेड का डिमांड कितना है चलो ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करता हूं बारह ये है कि तुमको फिनिश गुड्स कितना बेचना है ये 12,000 वो वाला इंफॉर्मेशन है तेरे को वो नहीं चाहिए ए का मतलब होता है तेरे को एक साल के अंदर रॉ मटेरियल कितना खरीदना है यू ऑल अंडरस्टूड दिस योर ए स्टैंड फॉर एक मिनट ईओ क्यू वाला थियरी मैंने जिस दिन से स्टार्ट किया ईओक्यू क्यू वाला थियोरी मेरे को जरा बोलो इज इट फॉर रॉ मटेरियल्स और इज इट फॉर फिनिश गुड्स इट इज हाउ मच टू पर हेल यू पर रॉ मटीरियल तो इस फिगर का दूर दूर तक दूर दूर तक दूर दूर तक ए से कुछ ताल्लुकात ही नहीं है ठीक है इट इज डाइवोर्स फ्रॉम ए तलाक हो चुके हैं उनका तो नाइनटी नाइन परसेंट एग्जाम्स के अंदर बच्चे लोगों ने यही वाला काम किया था इनफैक्ट नाइनटी नाइन से भी ज्यादा एवरीबडी टुकेट एस ट्वेल्व थाउजेंड और फिर उनका जो आंसर आ गया फोर हंड्रेड और ज्यादातर बच्चों को एक थॉट होता है अगर आंसर राउंड नंबर आता है ना मतलब सर अपना आंसर करेक्ट ही होगा तुम्हारे दिमाग में ये चीज आया था ना आया था ना परफेक्ट 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 ये सड़ा हुआ थॉट है ओके उसको निकाल लो पहले दिमाग से ओके आंसर कुछ भी आ सकता है ठीक है अभी इसके बाद तो यार फिर ए का मतलब क्या होता है एज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स टू बी परचेज इन वन ईयर को रॉ मटेरियल्स की कहानी चाहिए तो मैं सोच रहा हूं ये पॉइंट नंबर ए बी सी डी ई एफ जी के अंदर से मेरे को बोलो रॉ मटेरियल्स का क्वांटिटी कौन से कौन से पॉइंट्स के अंदर है मेरे ख्याल से डी ई e और एफ ठीक है दीज आर कंजम्पशन या यूसेज पर वीक दीज आर कंजम्पशन या यूसेज पर वीक एक मिनट मेरे को बोलो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होकर बिकता है लेकिन रॉ मटेरियल परचेज होकर बोलो ना आगे कंज्यूम होता, होता, होता है तो ऑब्वियसली अगर तेरे को परचेजेस चाहिए तो पहले तू कंजम्पन ले आ तो और क्या ये ना एक हफ्ते के कंजम्पन है मेरे को ईयर के कंजम्पन चाहिए सो आई लाइक टू मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी ओके आई वुड लाइक टू मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी लेकिन मेरे को ना एक ही चीज बोलना मेरे को बोलो अगर कोई तेरे को पूछा कि ना यरली कंजम्पन बता मेरे को बोलो इन तीनों में से विच नंबर यू वुड लाइक टू मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी टू दैट इज नॉर्मल कंजम्प्शन बेटा मिनिमम या मैक्सिमम होने के चांसेस ही बहुत कम होते हैं करेक्ट नो तो इन दिस केस अगर तेरे को पूरे साल का कंजम्पशन चाहिए तो आई थिंक यू शुड ट्राई टू बी थिंकिंग एक हफ्ते के अंदर कितना कंजम्पशन होता है

एवरेज consumption ऑफ रॉ material पर वीक into फिफ्टी टू वीक्स ठीक है पहले मैं ना यही वाली चीज लिखना स्टार्ट कर रहा हूं ठीक है अपने नोटबुक्स में आओ पहले अभी मेरे को ना तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट मेरे से भी ज्यादा है ठीक है आई ट्रस्ट यू ऑल मच मोर देन मी तुम लोग नेक्स्ट टाइम भी ये वाला सम पढ़ोगे ना गलत ही सॉल्व करोगे ठीक है तो एक काम जरा करो ऐसे लिखो एक बार जो शॉर्ट्स के अंदर लिखा है एक और बार लिखेंगे क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स पर एनम इज इक्वल टू थाउजेंड इन टू ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेल्व थाउजेंड आगे छोटा छोटा लिखो मैं भी बहुत छोटा छोटा वो लिख रहा हूं दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद एक बोलो अगर आपको ए पर मंथ लेना है फिर आप सीआई भी पर मंथ ही ले लेना योर आंसर इन एंड विल कम सेम ठीक है जो ईओ क्यू होता है ना बेटा वो कभी पर मंथ नहीं होता है इट इज अ क्वांटिटी टू बी परचेज एट वन टाइम उसका टाइम पीरियड के साथ ताल्लुक नहीं होता क्यू का डेफिनेशन क्या था पढ़ तू जाके इट इज नंबर ऑफ यूनिट्स आगे बोल टू बी परचेज एट वन टाइम एट वन टाइम के नॉट मीन एट वन टाइम पर मंथ नो एट वन टाइम मतलब सप्लायर को फोन करके जब भी सप्लायर को फोन करेगा इस पूरे साल के अंदर इस पूरे मंथ के अंदर इस क्वार्टर के, के अंदर इस हाफ ईयर के अंदर आई विल ऑर्डर दीज मेनी यूनिट्स एट वन टाइम दैट इज नॉट अ फिगर दैट इज फॉर अ मंथ इट इज एट वन टाइम ठीक है आगे सीए तो जो है वो तो वही है ना क्वेश्चन के अंदर वो तो हंड्रेड ही है सीए भी टाइम पीरियड से रिलेटेड नहीं होता सीए इज ऑलवेज एक ऑर्डर प्लेस करेगा तो खर्चा कितना होगा देर आर टू थिंग्स दैट इज दैट आर रिलेटेड टू टाइम वन इज दिस वन इज दिस हम लोग ये एक साल का लेते हैं तो ये भी एक साल का ले ही लेते हैं अगर आपको कभी ये एक मंथ का लेना हुआ फिर आप ये वाला भी जो डेटा है एक मंथ के लिए वो ले लेना लेकिन जो ईओ क्यू का आंसर वो मिलेगा दैट इज नॉट रिलेटेड टू टाइम पीरियड दैट इज एक बारी में कितना खरीदने का ओके okay. आगे अभी यहां पे जरा लिखना बोलो तो एवरेज तो ही होता ना बेटा कल मैंने एवरेज का मेरे ख्याल से तीन वर्ड्स बताया था शायद एक्सपेक्टेड नॉर्मल एवरेज एक्सपेक्टेड एवरेज ओके तो नॉर्मल मतलब यूजुअली कितना होना चाहिए तो वो एवरेज ही होता है ना और क्या बेटा पहले कॉपी किया करना प्लीज ओके चलो लिखो अभी क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ रॉ मटेरियल पर एनम इज इक्वल टू नॉर्मल कंजशन पर वीक इनटू 52 टू इज इक्वल टू फिफ्टी यूनिट्स इंटू फिफ्टी टू इज इक्वल टू टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यूनिट्स अच्छा टू बी वेरी स्ट्रिक्ट नो इवन दिस इज नॉट ए वैसे ए का फुल फॉर्म क्या होता है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटीरियल टू बी परचेज इन वन ईयर अपने को जो मिला है 2600 सो दिस इज वॉट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू बी बोलो कंज्यूम्ड इन वन ईयर मेरे को बोलो क्वांटिटी कंज्यूम से क्वांटिटी परचेज तक पहुंचने के लिए आज तक क्या करते थे एड क्लोजिंग लेस ओपनिंग जो सम के अंदर नहीं दिया हुआ तो एक्चुअली तो आईसीए बात भी नहीं करता दे डायरेक्टली से कंजम्पशन इज परचेज ओनली बट वील राइट ऑन वन लाइन इन एग्जाम्स यू ऑल माइट नॉट बी राइटिंग यहां पे लिख लेना एज देर आर नो आर एम स्टॉक्स कॉमा क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू क्वांटिटी परचेज इज इक्वल टू एज इक्वल टू फाइव थाउजेंड सॉरी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यूनिट्स चलो एक बार अभी ना मैं डेटा सम का फिर से लिख रहा हूं ए इज टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यूनिट्स सी ए वॉज रूपीज हंड्रेड सी आई रुपीज फिफ्टीन पर यूनिट पर एन एम पार्ट ए आरओ क्यू लिख देना स्लैश ईओ क्यू इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ टू ए सी ए अपॉन सी एंसर निकालना 186 यूनिट्स आ जाएगा चलो सुनो माई जॉब इज ऑल टूगेदर डन फॉर दिस क्वेश्चन अभी आई डोंट हैव एनी थिंग मो टू बी सी अभी दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली लाइक योर येस्टरडेज क्वेश्चन तुम्हारे पास अभी सम के अंदर सारा का सारा डेटा है बस यूज कर करके अपने बाकी आंसर्स जो हैं तो वो निकाल लेना बस एक छोटा सा चीज जिधर भी क्वेश्चन के अंदर जिधर भी क्वेश्चन के अंदर आर ओ क्यू पूछेंगे ओके okay, जिधर भी क्वेश्चन के अंदर तुम लोग को आरओ क्यू अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी तो आरओ क्यू बोले तो कितना आर ओ क्यू मतलब योर ईओ क्यू तो ईओ क्यू कितने यूनिट्स का बेटा वन एटी सिक्स नाउ देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लास्ट क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और एक सेकेंड तुमको समझा मैंने वन एट्टी सिक्स पॉइंट वन एट नहीं लिखा मैं वैसे तुमको पूछ रहा हूं क्योंकि ना यहां पे डेटा जो था वो यूनिट्स के अंदर था के के अंदर होता आई एम स्टिल ओके इन राइटिंग इन डेसिबल्स मेरे ख्याल से मैंने एक लेक्चर के अंदर वो वाला चीज तो बोला भी था ठीक है लेकिन यहां पे वो यूनिट्स के अंदर है अभी यूनिट्स कैन नॉट बी इन डेसिबल्स या तो मैंने राउंड ऑफ करके वो डाल दिया तो अभी तुम लोग एक काम जरा करो पार्ट ए इज डन तुम लोग पार्ट बी के लिए लिखो आर ओ एल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पन इन टू मैक्सिमम लीड टाइम आगे प्लस बफर स्टॉक लिखना ही मत क्वेश्चन के ना बफर स्टॉक है ही नहीं अच्छा इज इक्वल टू तुम लोग आगे अभी जरा नंबर्स लिखो मेरे को बोलो मैक्सिमम कंजम्पशन पर वीक ही पूछेगा ना मेरे को बोलो मैक्सिमम कंजम्पशन पर वीक बेटा कितना है सेवेंटी फाइव मैक्सिमम लीड टाइम कितने वीक्स का है सिक्स वीक्स फोर फिफ्टी सुनो 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 अब मैं तुम लोगों से बात भी नहीं कर रहा हूं यू ऑल कंटिन्यू योर ग्रेट वर्क तुम लोग सी डी और ई e का आंसर एग्जैक्टली exactly वैसे निकाल लेना जैसे तुम लोगों ने कल वाले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर निकाला था सुनो 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 जब ये वाला काम हो जाएगा ना ये एफ पार्ट मैंने बनाया है अगर बुक है तो के बुक के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स कर देना वरना नोटबुक के अंदर तीन आंसर्स जो हैं वो लिख लेना पार्ट एफ जो है वो मेरा क्रिएशन है वो इंस्टीट्यूट का क्रिएशन नहीं है ओके तो पहले डी ई e और एफ जो है सॉरी सी डी और ई e जो है फेयर के अंदर कर लो उसके बाद पार्ट वन टू थ्री का आंसर तुम लोग दिमाग में सोच के रखो किधर रफ के अंदर लिख के रखना ओके मैं तुमको इन ऑल चार मिनट दे रहा हूं फॉर एवरीथिंग स्टार्ट करो मेरे को पार्ट एफ का वन टू थ्री वाला आंसर बता देना मैसेज कर देना मिनिमम लेवल तुम्हारा दो सौ आया क्या मिनिमम लेवल मतलब मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल ही होता है मैंने कल बोला भी था वो लोग डिजायरेबल वर्ड पिछले क्वेश्चन के अंदर भी नहीं डाला था तो चेक कर लेना वो लोग नहीं बोलते तो? मैक्सिमम एक सेकेंड मैक्सिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल इज 536 क्या हम्म हाँ बोलो मैडमेशन दिखा देंगे सम में दिखा देंगे मतलब मतलब कैलकुलेशन में मैंने कर दिया आप फॉर्मूला लिखकर उधर वो करो दर बी बेटर फाइव थर्टी सिक्स प्लस टू हंड्रेड अपॉन टू ये कितना आ जाता है बेटा थ्री थ्री सिक्सटी एट के 86 सिक्सटी एट या फिर वन एटी सिक्स अपॉन टू टू थ्री पहले ये देख लो ये आंसर्स वो आगे के नहीं उसके बाद पार्ट एफ वन टू थ्री तुम लोग के साथ डिस्कस करता हूं मोस्टली तुम्हारा आंसर करेक्ट ही होना चाहिए एक्सेप्ट फॉर वन पार्ट ई तक एवरीबडी एज फिनिश्ड ई तक ई तक चलो ठीक है अभी बहुत लोगों ने मेरे को पार्ट एफ का आंसर करेक्ट ऑलरेडी दे दिया है अब मेरे को आंसर जरा बोलना व्हाट शुड बी आइडियल स्टॉक लेवल जस्ट बिफोर स्टॉक इज ऑर्डर्ड मेरे को बस डायरेक्टली आंसर बोलो और कुछ मत बोलो 450 फिफ्टी दिस इज इनडायरेक्ट वे ऑफ आस्किंग यू रिओर्डर लेवल ना यार स्टॉक yeah. ऑर्डर तब करेगा जब स्टॉक लेवल किसको टच करेगा आर ओ एल को तो ऑब्वियसली ये वाला आंसर तेरा आर ओ एल ही है ना राजा ओके सो दे फोर फोर फिफ्टी अच्छा वॉट शुड बी आइडियल स्टॉक लेवल जस्ट बिफोर स्टॉक इज रिसीव्ड को बोलो आंसर कितना आएगा 200 200. तुमको सोचने का है तो फिर से सोच लेना तो सर कैसे सोचू तो ऐसे सोचो यू ऑर्डर एट वॉट लेवल बेटा 450 जब तक सप्लायर आएगा तब तक आइडियली मेरे को सर बोलो कितने यूनिट्स हर वीक कंज्यूम एक नंबर बोलना 50 और सप्लायर आइडियली कितने हफ्तों के अंदर आ जाएगा वीक्स तो तुम्हारा आंसर टू हंड्रेड यूनिट्स का आ जाएगा ये टू हंड्रेड और कुछ नहीं था वैसे तुम्हारा मिनिमम लेवल ही था अच्छा बस एक ही पार्ट के लिए थोड़ा सा अक्कल की जरूरत थी थोड़ा सा मेरे को बोलो पार्ट थर्ड का आंसर आफ्टर स्टॉक इज रिसीव्ड बोलो थ्री एटी सिक्स एक्चुअली देर इज नो डिफरेंस बिटवीन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री अगर पार्ट टू का आंसर टू हंड्रेड था ना

टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे लिखोगे तो भी वो चली जाएगा इट्स ऑल ओके जस्ट आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई योर ब्रेन से नथिंग एल्स बेटा आर ओ क्यू पर मंथ नहीं होता बेटा इट इज अ क्वांटिटी दैट यू ऑर्डर एट वन टाइम इट इज नॉट पर मंथ इट इज नॉट पर ईयर तू एक अगर मैं देखो बोलू मैं जब भी मार्केट जाता हूं मैं पचास मैं पांच किलो ऑफ चीनी लेकर आता हूं अभी ये पर मंथ थोड़ी है ये पर एनम थोड़ी है ये पर टाइम है बेटा एक बारी में ऐसा होता है बेटा अगर वो लेने का है तू ले ले मैंने सबसे पहले तो वही स्टेटमेंट बोला अगर तेरे को ए पर मंथ लेना है फिर तू सीआई पर मंथ ही लेना फिर क्या हुआ बेटा 200 कैसे आएगा 2600 अपॉन 12 आएगा ना बेटा तू उसको 50 यूनिट्स पर वीक इंटू फोर मंथ के अंदर सॉरी ईयर के अंदर 48 वीक्स नहीं होते ठीक है तो आप 2600 सिक्स 12 ट्वेल्व कर लेना ठीक है और उसके बाद आप 15 अपॉन ट्वेल्व भी कर ही लेना ठीक है हाँ किसी ने अभी मेरे को यह वाला चीज पूछा मैं बहुत मारेगा ओके दैट इट इज पर मंथ वगैरह ये नहीं इट इज क्वांटिटी मैंने स्टार्ट भी इसी से किया था चार दिन से मैं यही वाला काम कर रहा हूं इज द क्वांटिटी दैट यू ऑर्डर आगे बोल एट वन टाइम उसका साल या मंथ से क्या ताल्लुक है इट अ क्वांटिटी एक बारी में उतने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करता है ठीक है चलो ये वाला काम हो गया अभी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव सुनो पिछले क्वेश्चन के अंदर बस एक छोटा सा चीज इफ देर इज नो आर एम स्टॉक देन सेम विल बी द क्वान्टिटी परचेज बी केयरफुल बस मेरे को यही वाला वर्ड वो बोलने का था ठीक है क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव इज डिटो सेम एज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर मैं पढ़ रहा हूं फिर तुम लोग स्टार्ट करके खत्म कर देना ओके अ कंपनी मैनुफैक्चर फाइव थाउजेंड प्रोडक्ट पर मंथ तुमको समझ में आता है दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद ए क्यों क्यों ये फिनिश गुड्स की कहानी है तेरे को रॉ मटेरियल की कहानी चाहिए ठीक है आगे, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डरियल रूपीज टेन पर बोलो परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज फोर टू एट वीक्स मिनिमम फोर हो जाएगा मैक्सिमम तो, तो एट हो जाएगा अगर एवरेज लीड टाइम नहीं दिया तो सेंटर नंबर बोले तो सिक्स वीक्स आगे फ्रॉम हंड्रेड टू फोर फिफ्टी केजीज पर वीक एवरेज कंजम्पन बींग टू सेवेंटी फाइव के लिए तुमको सर में आता है ए विल बी टू सेवेंटी फाइव इन टू फिफ्टी टू सब लोग थैंक yes, यू yes, आगे द कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज ट्वेंटी परसेंट पर एनम तुम लोग को याद आता है दिस फिगर इज आई तो सबसे पहले तेरे को सी आई कंप्यूट करना पड़ेगा हम लोग बचपन में सी आई कैसे कंप्यूट करता था थैंक यू आगे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एग्जैक्टली दो फाइव नंबर ओनली ठीक है तुम लोग स्टार्ट हो जाओ मैं तुमको पांच मिनट दे रहा हूं तुम लोग अपना सम जो है वो खत्म करो अगर पांच मिनट से पहले हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करना उधर दो ही चीजें पूछा हुआ है वो स्टार्ट करके खत्म कर देना इंडराफ ऑन अगर पांच मिनट से पहले खत्म हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव करो चालू आर ओ क्यू वन वन नाइन सिक्स आता है और एवरेज स्टॉक लेवल एक फॉर्मूला से थ्री वन सेवन थ्री आता है शायद और दूसरे वाले से टू फाइव फोर एट हाँ हाँ दैट्स ओके बट इफ यू राउंड इट ऑफ यहां पे के के अंदर है हाँ तो फिर चलेगा चलो सुनो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी सिक्स ये फोर मार्क्स का क्वेश्चन था जब एग्जाम्स के अंदर आया था इसके से दो मार्क ईओ के ले दिया दो मार्क आर ओ एल के ले दिया बस ठीक है पढ़ेंगे जरा प्लीज अबाउट फिफ्टी आइटम्स आर रिक्वायर्ड एवरी डे फॉर अ मशीन ठीक है अ फिक्स कॉस्ट ऑफ फिफ्टी पर ऑर्डर इज इन कर्ड फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर आइटम अमाउंट्स टू पॉइंट जीरो टू पर डे द लीड पीरियड इज थर्टी टू वीक्स कैलकुलेट दो चीजें ईओ क्यू एंड आर ओ एल तो चलो ठीक है ईओ क्यू से स्टार्ट हो जाते हैं ईओ क्यू के लिए अपने को ए ए चाहिए C -A चाहिए C -I चाहिए सी सी आई तो लेट स्टार्ट इट ऑफ लिखो प्लीज अब ये डायरेक्टली मैं ही स्टार्ट कर रहा हूं सुनो ए कितना यूनिट्स तेरे को चाहिए पूरे साल के अंदर लेकिन जरा देखो मेरे को बोलो ये जो फिफ्टी वाला डेटा है ये पूरे साल का तो नहीं है ये है आगे बोलो पर डे का अभी आपको अगर पूरे साल का चाहिए यू कैन ईदर मल्टीप्लाई बाय 360 और बाय 365 तुम्हारा आंसर सेम ही रहेगा इस क्वेश्चन के ना तुमको दो मिनट में पता चल जाएगा क्यों तो मैं 365 सिक्सटी ही लेता हूं फिर ओके सो दे फोर फिफ्टी यूनिट्स इन टू थ्री यूनिट्स आगे सी ए सी ए तो पचास रुपया था अच्छा सुनो सी आई इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन एम ओके तो दिस इज पॉइंट जीरो टू लेकिन ये जो पॉइंट जीरो टू है ना बेटा दिस इज पॉइंट जीरो टू पर डे आई थिंक नॉ यू वॉन्ट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन एम दिस इज पर यूनिट पर डे अभी तो अपने को थ्री सिक्सटी फाइव ही देना पड़ेगा दिस इज 7.3 चलो पार्ट वन कर लेते हैं ईओ क्यू अपना ईओ क्यू का फॉर्मूला लिखो और आंसर निकाल लो उसके बाद सेकेंड पार्ट अपना आरवेल का है उसका फॉर्मूला लिखना फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बोलो निकाल लेना बेटा आंसर वही रहेगा ना फिर तू दोनों को थ्री सिक्सटी फाइव यू कैन राइट डाउन तो ए फिर तू डायरेक्टली तो पचास ही लिख ले बस नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ

अच्छा कोई ऐसा सोच सकता है सर ये क्वेश्चन बहुत अजीब है सर इधर ना मैक्सिमम दिया ना मिनिमम दिया ना एवरेज दिया तो अच्छी बात है अगर वो नहीं दिया तो थर्टी टू ही मैक्सिम है थर्टी टू ही मिनिमम है।, है मैंने सप्लायर को पूछा भाई आज ते को ऑर्डर दिया तो कभी आएगा बोलता सर बत्तीस दिन के बाद आएगा मैंने बोला पक्का बोलता मैं जबान देता हूं सर पक्का ओके बत्तीस दिन से ना पहले बत्तीस दिन के ना बाद तो बेटा फिर तो बात ही करो तो ऑब्वियसली यहां पर मैक्सिमम लीड टाइम थर्टी टू डेज है ठीक है तो अभी मेरे को कंजम्पशन भी तो पर डे चाहिए तो बेटा यहां पे कंजम्पशन ऑलरेडी पर डे तो दिया हुआ है तो दिन का कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होने वाला है फिफ्टी बात ही खत्म हो गई तो वही मैक्सिमम हो गया वही मिनिमम हो गया वही एवरेज किसने मेरे को पूछा सर आप रात को कितना रोटी खाता है मैंने बोला दो रोटी बोलता सर बचपन से लेके आज तक हर दिन रात को दो रोटी खाया मैंने बोला यस ओके जिस दिन मैं एक दिन का भी था ना जब मैं पैदा हुआ था उस दिन भी मैंने दो ही रोटी खाया था आज भी मैं दो ही रोटी खाता हूं बात खत्म हो गई बस ओके सो देम सिक्सटीन हंड्रेड यूनिट अगर मैक्सिमम मिनिमम एवरेज नहीं दिया रहता तो जो दिया हुआ है वही सब कुछ है बस ठीक है बात खत्म अभी शायद समझ में आ गया रहेगा कि क्वेश्चन फोर मार्क्स का ही सिर्फ क्यों था ठीक है चलिए Your this job is over. Question number twenty-seven. Twenty-seventh एक काम मैं करेगा तीन काम तो तुम लोग करेगा ठीक है लेकिन पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद स्टार्ट करना फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट री ऑर्डर लेवल ठीक है आर ओ एल सेकेंड मैक्सिमम लेवल ओके थर्ड मिनिमम लेवल फोर्थ डेंजर लेवल अभी डेंजर लेवल आई विल टेक केयर क्योंकि देर इज समथिंग दैट वी ऑल हैव नॉट डन रीऑर्डरिंग क्वांटिटी बोले तो आर ओ क्यू

क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट लाइन के अंदर यह वाला लाइन डायरेक्टली दिया हुआ है एनुअल स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट इज रुपीज फाइव ऑब्वियसली ये वाला चीज तुम्हारा क्या हो जाएगा सी आई जरा वो याद करो ना सी आई को हम लोग होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं और उसके अंदर स्टोरेज कॉस्ट वगैरह भी इंक्लूड होता है हम लोगों ने एक क्वेश्चन के कहने किया था ना तब ओके okay. तो यह तुम्हारा सीआई हो गया बस अभी अपना पोपट मत करवाना सुनो डिटेल्स ऑफ लीड टाइम एवरेज टेन मैक्सिमम फिफ्टीन मिनिमम सिक्स एक फालतू चीज कभी मेरे से नहीं पूछने का क्योंकि एक दो प्रोफेसर लोगों ने मेरे को वो पूछा था कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे को उनको एक्सप्लेन करने को बहुत शर्म आई तुमको ये चीज समझ में आता है कि एवरेज इन रियल लाइफ इज नॉट सेंटर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नो yes, वो तो कभी होना भी नहीं चाहिए वो तो नहीं दिया रहता तो मजबूरी के अंदर वी ऑल ट्राई टू तो बी अज्यूमिंग दैट ओके तो उस क्वेश्चन के अंदर उन लोगों ने बोल दिया है मैक्सिमम कितना है पंद्रह मिनिमम कितना है छे. और एवरेज कितना है बेटा टेन अभी बोल दिया तो बात खत्म होगी ठीक है फॉर इमरजेंसी परचेजेस फोर डेज वो लाइन अभी के लिए वो छोड़ दो तुम लोग कैंसिल नहीं करना ओके ये मेरे को डेंजर लेवल के लिए काम में आएगा जब मैं उधर पहुंचेगा तो फिर रिवील करेगा अच्छा ये वाला चीज ध्यान से देख लेना रेट ऑफ कंजम्शन एवरेज फिफ्टीन यूनिट्स पर डे मैक्सिमम ट्वेंटी यूनिट्स पर डे अब जरा देखो उन लोगों ने मिनिमम कंजम्शन नहीं दिया हुआ से अगर मिनिमम कंजम्पशन नहीं दिया हुआ वी विल अज्यूम दैट एवरेज इज इन सेंटर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नो तो अगर तुम्हारा एवरेज पंद्रह है मैक्सिमम बीस है तो मेरे को बोलो मिनिमम कंजम्पशन कितना हो जाएगा बेटा yeah. वो टेन yeah. यूनिट्स हो जाएगा ठीक है तो बस दैट इज वन डेटा यू ऑल कैन कीप इन माइंड यू ऑल कैन स्टार्ट नाउ सुनो 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 तुम लोग क्या करना मेरी बात जरा ध्यान से सुनना पहले तुम लोग ना टाइम पास के लिए पहले आर ओ क्यू स्लैश ईओ क्यू निकाल लेना उन लोगों ने वो वाला चीज पूछा भी नहीं है लेकिन तुम लोग निकाल लेना उसके बाद तुम लोग पार्ट वन आर ओ एल उसके बाद तुम्हारा पार्ट टू दैट इज मैक्सिमम लेवल उसके बाद तुम्हारा पार्ट थ्री मिनिमम लेवल ये तीन चीजें जो है खत्म कर देना उसके बाद डेंजर लेवल आई विल टेक केयर ठीक है तुम लोग इतना स्टार्ट करो और खत्म करो ओके यू ऑल कैन राइट डाउन लिखो ए इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड यूनिट सी ए इज इक्वल टू रुपीज ट्वेंटी उसके बाद सी आई इज इक्वल टू रूपीज फाइव पर यूनिट पर एन चलो पहले ईओ क्यू या आर ओ क्यू निकाल लो और उसके बाद वो वाले तीन पार्ट्स अपने खत्म कर लो पार्ट वन टू थ्री खत्म करो ये बच्चा बच्चा काम यू ऑल आर डूइंग उसके बाद टफर थिंग्स विल कम आई विल स्टार्ट टू बी डूइंग दैट टू हंड्रेड आएगा आर ओ एल शायद थ्री हंड्रेड आता है मैक्सिमम लेवल फोर फोर्टी एक बार चेक कर लेना प्लीज सुनो अभी जरा ध्यान से देखो अभी क्वेश्चन के अंदर जो चीज बच गई है ना दैट इज डेंजर लेवल अभी डेंजर लेवल क्या होता है चलो वो लेवल ही है ना इससे पहले डू अ रिकैप यार आर ओ एल क्या होता है आर ओ एल अपना 300 यूनिट का था आर ओ एल क्या होता है आर ओ एल इज द फर्स्ट एंड द बेस्ट लेवल फॉर द कंपनी टू ऑर्डर अगर आर ओ एल पर ऑर्डर करते हो ना आराम से सो जाओ वर्स टू वर्स केसेस के अंदर भी कभी स्टॉकआउट नहीं होगा इज दिस ओके हम लोगों ने आर ओ एल का वही वाला केस किया था मेरे ख्याल सेल्कुलेटेडिंग हंड्रेड परसेंट सेफ्टी बोले तो जीरो परसेंट रिस्क तो जो मर्जी हो जाए बेटा कभी स्टॉकआउट तो हो ही नहीं सकता ओके स्टॉक कांट ओनली इन दिस पर्टिकुलर केस स्टॉक कभी हो ही नहीं सकता तो वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल इज अ वेरी सिंपल थिंग एंड दिस सिंपल थिंग इज आर ओ एल इज द फर्स्ट लेवल फर्स्ट एज वेल एज द बेस्ट लेवल फॉर द कंपनी टू ऑर्डर अगर कभी आर ओ एल पर ऑर्डर कर दिया ओके okay, तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है वर्स टू तो वर्स भी केस होएगा ना कभी भी स्टॉकआउट जिंदगी के अंदर नहीं हो सकता ठीक है तो डेंजर लेवल जिंदगी में तभी आएगा जब आप लोगों ने आर ओ एल पर नहीं ऑर्डर किया क्योंकि अगर आर ओ एल पर ऑर्डर कर दिया देर इज नो डेंजर ओके एग्जाम्पल अभी शायद तुम लोगों ने जिंदगी में कभी बाइक चलाई हो ओके okay. बाइक या स्कूटर कुछ भी वहां पे ना एक पेट्रोल का नीडल होता है एक जगह पे एफ होता है एक जगह पर ई e होता है ओके एफ स्टैंड फॉर बाइक चलाई होगी तो पेट्रोल का कांटा होता है एफ बोले तो फुल एंड ई बोले तो एम अभी शायद कभी ऑब्जर्व अगर आंखें खोल के करते हो तो पता चलेगा कि ना यहां पे ना देर आर देर इज अ रेड थिंग्स ओवर हियर ओके देर आर रेड थिंग्स ओवर हियर जब एम की तरफ जाता है तो ठीक है एंड यूजली तो यहां पे देर विल बी येलो या ग्रीन और समथिंग लाइक दिस ठीक है और अ डिफरेंट कलर माइट बी देर ऑल्सो अभी मेरी कार के अंदर भी सपोज कुछ ऐसा ही है मैंने अपने ड्राइवर को बोल के रखा हुआ है कि भाई जब भी पेट्रोल हाफ लेवल तक आ जाता है ना ओके दैट इज योर रिओर्डर लेवल मैंने उसको रीऑर्डर लेवल तो कभी नहीं बोला लेकिन मैंने बोला है कि जब भी कांटा हाफ तक वो पहुंच जाएगा ना तू पेट्रोल भरवा लिया कर बोलता है साहब ठीक है ओके अगर वो हमेशा ये वाला काम कर लेता है जरा बोलो इज देर रिस्क ऑफ मी पुटिंग धक्का टू द कार नो क्योंकि वो रिफिल तो करवा ही लेता है ओके तो फिर देर इज नो रिस्क एज सच ओके अभी आई आज सम क्वेश्चन लाइक दिस कोई लोग सोते हैं सर अगर गाड़ी खराब हो गई तो मैं वो चीजों के बारे में बात नहीं करता है ठीक है मैं पेट्रोल के स्टॉकआउट के बारे में बात कर करें तो फालतू थॉट मत लेके आओ सुनो अभी जरा सोचो ना अभी ये वाली जो कार कंपनीज भी होती है ना यहाँ ये जो बाइक कंपनीज वगैरह भी हैं ये लोग एम की तरफ चीजें रेड करना स्टार्ट कर देता है और आजकल तो एक इंडिकेटर भी होता है जब भी पेट्रोल एम के पास वो पहुंचेगा ना या कुछ ना कुछ साउंड बचता रहता है या फिर कुछ ना कुछ लाइट आती रहती है ठीक है आजकल मोस्ट ऑफ द बाइक्स एंड कार्स हैव दैट पर्टिकुलर थिंग ओके अभी मेरे को जरा एक चीज बहुत ऑनेस्टली बोलना सपोज तुम लोग बाइक चला रहा था तुम लोग कभी कांटे की तरफ वो नीचे वो देखता ही नहीं तुम्हारा एक रूल है कि सीधा देखने का नीचे नहीं देखने का ओके लेकिन एक बार तेरी मुंडी झुकी और तूने देखा कि ना ये जो चीज है ये ऑलमोस्ट यहां पर वो पहुंच गया है रेड की तरफ वो पहुंच गया मतलब एम की तरफ मेरे को बोलो सबसे पहले तेरे दिमाग में क्या आता है मैं जीपीएस के ऊपर वो ढूंढता रहेगा सारा पेट्रोल पंप किधर है सबसे पहले तुम्हें तो वही देखेगा ना यार इन लाइफ क्योंकि देर इज अ डेंजर मेरे को बोलो व्हाट इज द डेंजर दैट पेट्रोल माइ टन ऑफ राइट ओके दीज आर इंडिकेटर्स फॉर यू दैट यू हैव रीच्ड अ डेंजर लेवल ओके डेंजर लेवल यू कैन रिलेट एट मेनी प्लेसेस ओके अगर कभी ट्रैकिंग के लिए तो वो जाते हो आई गो लॉट इन फैक्ट अभी वहां पर माउंटेन्स के एंड पे तो वो पहुंचोगे ना तो एक खोपड़ी तो वो बनी होती है ओके okay. वहां पर लिखा होता है डेंजर ओके डेंजर मतलब उसके आगे मत जा वरना बहुत ऊपर जाएगा ओके okay. सो दैट इज नजर लेवल कभी डैम्स वगैरह के पास जाते हो तो डैम्स जहां पे पानी स्टोर करते हैं तो वहां पे एक लेवल होता है कि अगर उस हद तक बारिश वो हुई ना सो डैम विल स्टोर लेकिन अगर सपोज पानी बहुत ज्यादा भर गया अगर बारिश बहुत ज्यादा हुई तो फिर वो एक लेवल के ऊपर चला जाता है अगर एक लेवल के ऊपर चला जाता है ना देर इज अ चांस कि फ्लड्स आ सकते हैं तुम लोग को ऐसा कुछ मालूम है कभी लाइफ के अंदर सो दीज आर आर डेंजर दीज आर सम ऑफ द वेयर वाई वी ऑल सी लाइक यू नो कि देर इज अजर अभी ऑब्वियसली मैं कोई ट्रैकिंग के डेंजर के बारे में बात तो नहीं कर रहा हूं आई एम ट्राइंग टू टॉक आउट डेंजर ऑफ स्टॉक तो चलो मैं उसी के बारे में बात कर लेता हूं ठीक है ध्यान से सुनना मेरी बात इस क्वेश्चन के अंदर ग्राफ बना के दिखाता है चलो दैट बी बेटर एक्स एक्सिस पर सॉरी वाई एक्सिस पर स्टॉक लेवल प्लॉट करता है ठीक है एक्स एक्सिस पर मेरे कोई जरूरत ही नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा आर ओ एल जो था ना तीन सौ यूनिट का था मेरे को तीन सौ यूनिट के लेवल पर ऑर्डर करना चाहिए था ऑर्डर करना चाहिए था मैं परचेज मैनेजर मैं भूल गया सो गया याद रखना एंड आई थिंक यू विल एग्री विद मी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग इफ यू विल नॉट ऑर्डर एट रीऑर्डर लेवल देर इज अ डेंजर दैट देर माइट बी स्टॉक आउट ये चीज समझ में आता है अच्छा तो 300 के लेवल पर ऑर्डर करना चाहिए था भूल गया सो गया स्टॉक गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है। स्टॉक 200 तक पहुंच गया ठीक है? मैं उठा तो सही लेकिन मेरे को याद ही नहीं है कि ऑर्डर भी प्लेस करने का होता है मैं भूल गया ओके स्टॉक नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है आज ना वो डेढ़ो के लेवल को तोड़ के उसके नीचे भी चला गया याद रखना के तो डेढ़ सौ के नीचे जाना भी नहीं चाहिए इट इज मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल हो यूजुअल केसेस के अंदर स्टॉक उसके नीचे तो जाना भी नहीं चाहिए अभी स्टॉक जो है ना डेढ़ सौ के नीचे भी चला गया बट द वर्स इज येट टू बी हैपनिंग कि अभी तक तूने ऑर्डर ही नहीं प्लेस किया तेरे दिमाग से निकल गया कि ऑर्डर भी प्लेस करना होता है ओके okay. तो अभी बुरी हालत तो होने वाली है पक्की बात है बुरी हालत तो होने वाली है क्योंकि अपना स्टॉक लेवल बहुत कम हो गया है मेरा स्टॉक जो है ना डेढ़ सौ को तोड़ के उसके भी नीचे जा रहा है रोज का रोज कंजम्पशन जो है वो तो हो ही रहा है लेकिन मेरे को याद ही नहीं है कि ऑर्डर भी प्लेस कर रहा होता है ओके एक दिन मैं ना वेयर हाउस के चक्कर मार रहा था मैं परचेज मैनेजर वेयर हाउस के अंदर गया देखा स्टॉक देखा स्टॉक बहुत कम है फिर याद आया ओ तेरी आई फॉर गॉट टू प्लेस अभी मैं परचेज मैनेजर मेरे को अभी अक्कल आई यार ऑर्डर तो बहुत पहले प्लेस करना चाहिए था जब स्टॉक लेवल कितना था थ्री हंड्रेड आज तो स्टॉक लेवल इतना कम हो गया मैंने अभी तक ऑर्डर ही नहीं प्लेस किया ओके मेरे को बोलो अगर तुम मेरी जगह पर होते और तुमको ये वाला चीज का रियलाइजेशन होता यार स्टॉक लेवल बहुत कम है सर और ऑर्डर प्लेस करना ही भूल गए तो एज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड सो दिस क्वेश्चन शुड ओनली बी आंसर्ड ऑफ साउंड माइंड ओके एज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड यू शुड डू टू थिंग्स ऑन अ इमीडिएट बेसिस लीस्ट आउट ऑफ टू टेल मी वन दो ऑब्वियसली वी ऑल शुड ऑर्डर ओके ऑब्वियसली वी ऑल शुड ऑर्डर ओके वी ऑल शुड ऑर्डर द थिंग्स अच्छा ये हो गया एक चीज लेकिन मेरे को एक और चीज जरा वो बोलो ना एज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड मैं ये भी काम करेगा लेकिन मेरे को एक और चीज भी अभी-अभी बताओ मेरे को जरा बोलो एज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड आई शुड डू वन मोर थिंग ऑल्सो कोई मेरे को बता सकता है क्या मेरे को थोड़ा सा ना जो अपना मटेरियल है ना उसका कंजम्पशन मेरे को रैशनलाइज करना चाहिए सपोज जरा सोचो अगर तेरे को ऐसा पता चला कि ना नेस्ले की जो मैगी आती है अगले एक साल तक नहीं मिलने वाली ठीक है मार्केट के ना बहुत शॉर्टेज होएगा, ओके तेरे पास पचास पैकेट वो पड़े हुए हैं खाने के लिए ऑब्वियसली, तू ट्रेडर नहीं है तो खाने के लिए तो मेरे को बोल फिर तू क्या करेगा सर रोज थोड़ा थोड़ा ही खाएगा सर अगर बुक्खड़ की तरह सारा पचास पैकेट एक ही दिन के अंदर तू खत्म कर देगा आगे बोलो तो पूरा साल फिर तू कैसे खाएगा ओके तो अगर कोई चीज की कमी होती है यू शुड ट्राई टू स्प्रेड द कंज्शन राइट ओके तो चलो मैं सबसे पहले सेकंड वाला काम सबसे पहले करने वाला हूं ठीक है मैं परचेज मैनेजर मेरे को पता चल गया है कि ना स्टॉक का लेवल बहुत कम है तो मेरे को इंश्योर करना चाहिए कि कंजम्पशन कम हो बट कंजम्पशन इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन तो मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को फोन किया मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को बोला मैंने बोला प्रोडक्शन मैनेजर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रोडक्शन मैनेजर बोलते तेरे को माफ किया मैंने बोला सुन ले साले पहले क्या हुआ ओके okay. मैंने उसको बोला मेरे को ना ऑर्डर प्लेस करना चाहिए था बहुत पहले लेकिन मुझसे गलती हो गई अभी एक काम जरा करना तेरे को एक नॉर्मल डे चलाने के लिए कितने यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है वो बोलता है 15 यूनिट्स पर डे ऑब्वियसली दिस इज नॉर्मल कंजम्पशन नो तुमको समझा जो मैंने बोला मैंने उसको एक रिक्वेस्ट वो करने वाला हूं मैं उसको रिक्वेस्ट चेक करने वाला हूं मैंने उसको पूछा तेरे को फैक्ट्री चलाने के लिए नॉर्मली कितने यूनिट्स चाहिए पर डे बोलता 15 मैंने उसको बोला सुन अगर तेरे को 15 यूनिट्स ही चाहिए ओके मैं तेरे को 15 यूनिट्स तो देता रहेगा चल लेकिन उसे ज्यादा नहीं मांगना जस्ट फॉर फ्यू डेज क्योंकि मेरे को ऑर्डर प्लेस करना चाहिए था मैं ऑर्डर प्लेस करना वो भूल गया अभी अगर तू मुझसे ज्यादा ज्यादा यूनिट्स वो मांगेगा तो जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो जल्दी खत्म हो जाएगा फिर तेरे को ही स्टॉक आउट का फर्क आएगा तुमको समझा जो मैं बोला तो ऑब्वियसली ही विल नॉट हैव मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ओनली ओके अच्छा याद रखना दिस इज रीजनेबल रिक्वेस्ट मैं उसको एटलीस्ट उतना यूनिट्स तो दे रहा हूं आगे बोलो जितना उसको फैक्ट्री नॉर्मली चलाने के लिए चाहिए यू कैनोट बी अनरीजनेबल कई बुक्स ऐसा बोलता है जो मेरे को लगता है उन लोगों को नहीं बोलना चाहिए मेरे को बोलो तुम्हारा एवरेज 15 था तुम्हारा मिनिमम कितना था 10, 10. ये रिक्वेस्ट अनरीजनेबल हो जाएगी कि तुम लोग एक प्रोडक्शन मैनेजर को बोला जी ये रिक्वेस्ट थोड़ी सी अनरीजनेबल हो जाएगी अगर तुम लोग प्रोडक्शन मैनेजर को ऐसा बोलो तो जितना तूने यूनिट्स आज तक कम से कम लिया देखो नेक्स्ट थोड़े दिन तक में उतना ही यूनिट्स वो देता रहेगा ये अनरीजनेबल रिक्वेस्ट है भाई उतना तो दो ताकि फैक्ट्री कैन रन इन अ नॉर्मल स्टेट यू कैन नॉट माल न्यूट्रिशन द फैक्ट्री नो करेक्ट नो वो अनरीजनेबल हो जाएगा ओके सो आई एम गिविंग अ रीजनेबल रिक्वेस्ट मैं मेरे प्रोडक्शन मैनेजर को बोल देता है कि भाई थोड़े दिन तक ना मैं तेरे को 15 यूनिट्स पर डे वो देता रहेगा उससे ज्यादा नहीं मांगना जस्ट फॉर फ्यू डेज प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है आई एम द एम्प्लॉय ऑफ दिस ग्रेट कंपनी आई एम योर को वर्कर ओनली सो डोंट वरी आई विल कोऑपरेट मैंने बोला ठीक है फोन रखोगी चल ये वाला काम जो है हो गया अभी दूसरा किसी ने मेरे को बोला सर ऑर्डर प्लेस वो ही तो पंगा था ओके तो मैंने सप्लायर को फोन किया मैंने बोला सुन मुझसे गलती हो गई बोलता तेरे को माफ किया मैंने बोला सुन पहले क्या हुआ आई शुड हैव द ऑर्डर लॉन्ग टाइम बैक लेकिन मैं भूल गया मैं अभी अभी ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं तू ना फटाक से गुड्स लेके आ जाना सप्लायर बोलता है क्या मजाक करता है तू मेरे को ऑर्डर आज देगा मैं गुड्स बनाना स्टार्ट करेगा उसके बाद में डिलीवरी करेगा भाई बहुत टाइम जाता, okay, जाता है मैंने बोला मेरे पास बहुत टाइम नहीं है ओके सप्लायर बोलता है लेकिन लेकिन बहुत टाइम टाइम जाता है है मैंने बोला मेरे पास नहीं तू फटक से आ जाना बोलता मैं आ जाएगा आप उन लोग खाएगा पिएगा वो अलग बात है लेकिन गुड्स नहीं ला सकता तू आज ऑर्डर देगा डिलीवरी के लिए टाइम लगता है अभी मेरे को तो बहुत घाई है ओके okay, मैंने उसको पूछा भाई कितना टाइम लेगा बोलता देख आज तक आई हैव डिलीवर्ड यू द गुड्स बिटवीन सिक्स टू डेज आई विल कम इन सिक्स टू फिफ्टी डेज यू डोंट वरी मैंने बोला तू क्या पागल है मैं बोल रहा हूं कि मेरे को बहुत जल्दी है तू बोलता है छह से पंद्रह दिन के बीच में आएगा मैं बोला तू क्या पागल है मैंने बोला तू अभी अभी आ जा बोलता अभी अभी तो कुछ होता ही नहीं भाई तू ऑर्डर देगा मैं गुड्स बनाएगा गुड्स को पैक करेगा ट्रक में डालेगा फिर तेरे पास वो बुझेगा छह से पंद्रह दिन तो लगेगा ही लगेगा ओके मैंने बोला अब भी अब भी आना बोलता अब भी अभी कुछ नहीं होता बोला प्लीज बोलता क्या प्लीज उसके अंदर गुड्स को टाइम तो लगेगा ना यार मैंने बोला एक टाइम देना मेरे को बोलता है चल ठीक है तेरी खातिर बिकॉज आई लव यू सो मच

बोलता तूने वास्ता दिया फिर तो चल ठीक है मैं दिन के अंदर आ जाएगा आज तक लीस्ट टू लीस्ट आई कम इन कितना डे, तेरी खातिर में ये वाला काम वो कर ही देगा मैंने बोला छह दिन बहुत ज्यादा हो गया तू अब भी अब भी आ जा उसने एक लाफा मारा मेरे को ओके बोलता तू अभी अभी तो बोलने नहीं मैंने बोला ठीक है तू एक काम कर तू आज ही आ ओके बोलता अभी अभी एंड आज सेम हो नहीं, मैं नहीं आ सकता मैंने बोला जल्दी से जल्दी कितने टाइम के अंदर आ सकता है बोलता छह दिन के अंदर मैंने बोला और जल्दी आना यार बोलते उससे जल्दी तो हो ही नहीं सकता मैंने बोला पक्का बोलता हंड्रेड पक्का मैंने बोला तेरे को ज्यादा पैसा दिया बोलता फिर तो आ ही जाऊंगा ओके मैंने बोला और पैसा दिया तेरे को कैश के अंदर पैसा देगा कितने टाइम के अंदर आएगा बोलता चार दिन के अंदर आ जाएगा ओके दिस फोर डेज इज पॉपुलरली कॉल्ड एज इमरजेंसी लीड टाइम दिस फोर डेज इज कॉल्ड एज बोलो सब लोग इमरजेंसी लीड टाइम एक चीज तरा याद रखना डू नॉट वेट फॉर सच टाइम्स टू कम इन योर लाइफ क्योंकि जैसे तुम लोग सप्लायर से बात करता है ना उस बंदे को समझ में आ जाएगा कि तेरे को बहुत ज्यादा गरज है तेरे को बहुत ज्यादा नीड uh, है ओके ही विल एक्सप्लोइ यू ही विल ट्राई टू चार्ज यू एज हाई एस्ट पॉसिबल ही विल नॉट गिव यू द क्रेडिट फैसिलिटी आल्सो दैट ही यूजली गिवस लेकिन ऑब्वियसली अभी अगर स्टॉक की कमी है इंस्टेड ऑफ हैविंग स्टॉक आउट इट इज बेटर टू पे समथिंग मोर देन गेट दी स्टॉक तुमको समझाए वाला चीज तो बस मैंने ना दो चीजें कंफर्म करवा ली मैंने सप्लायर को बोला एक्स्ट्रा पैसा देता है तेरे को चार दिन के अंदर आ जाना बोलता चार दिन के अंदर आ जाएगा कसम से मैंने बोला ठीक है प्रोडक्शन मैनेजर को मैंने बोल दिया था तेरे को पंद्रह यूनिट पर डे में देता रहेगा उससे ज्यादा नहीं मांगना जस्ट फॉर फ्यू डेज बोलता ठीक है Now let's define what is danger level. What is danger level? Okay. Although ROL is the first and the best level for company to order. Although ROL is the first and the best level for the company to order. Danger level is the last available opportunity for company to order and still be safe. Agar tune is level per be order. तो आउट तो पक्का है और इस लेवल के ऊपर भी याद रखना अगर तू ऑर्डर करेगा ना तेरे को एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट एट योर फुल कैपेसिटी ओके मैंने 15 इंटू फोर किया तो डेंजर लेवल विल बी कितना यूनिट 60 यूनिट जरा वो सोचो 60 यूनिट विल मेक लॉर्ड ऑफ सेंस ओके वट इज सिक्सटी यूनिट एक मिनट उससे पहले वट वॉज आर ओ एल

एंड परचेज मैनेजर को जब भी अलार्म बेल सुनाई दे उसको सोचना चाहिए ऑर्डर प्लेस किया था कि नहीं किया था अगर ऑर्डर इससे पहले प्लेस नहीं किया था दिस इज द लास्ट टाइम एट विच यू कैन प्लेस ऑर्डर दर स्टिल बी से बट ऑब्वियसली अज्यूमिंग टू लिमिटेशन मे को बोलो विच टू लिमिटेशन कॉस्ट ज्यादा कॉस्ट ज्यादा और प्रोडक्शन जो है एवरेज ही हो सकता है अभी ज्यादा जो प्रोडक्शन इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि मटेरियल भी ज्यादा वो नहीं होगा अगर 60 यूनिट्स के लेवल के ऊपर ऑर्डर कर दिया फर्स्ट डे तुम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 15 यूनिट दोगे बच कितना जाएगा 45. नेक्स्ट डे 15 और दोगे बच जाएगा 30. नेक्स्ट डे 15 और दोगे बच जाएगा 15. लास्ट डे 15 यूनिट भी दे दोगे स्टॉक कितना हो जाएगा जीरो बट ऑन दैट डे सप्लायर विल कम विद्यू स्टॉक नो देन तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बिकम ओके दिस इज डेंजर लेवल Danger level is always the last available. तू ने यहां पर भी पेट्रोल नहीं भरवाया साले तू धक्का मार अभी okay, बस बात खत्म होगी ओके okay. so this is a last level at which company can be ordering and still be safe this last level is popularly called as danger level bahut books bahut books and i say was one among them but now those guys have corrected okay wo log na yahan par minimum consumption bhi dalta tha but taking minimum consumption is wrong okay क्योंकि अगर मिनिमम कंजम्शन वो लोग मतलब यू आर टेलिंग दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भाई आज तक जितना कम से कम बनाया था ना उतना ही बनाना दैट फॉर मी इज स्लाइटली रॉन्ग बिकॉज यू कैनॉट मेक द फैक्ट्री वर्क एट द लीस्ट पॉसिबल लेवल सो ट्राई टू सेट योर डेंजर लेवल बेस्ड अपॉन अ नॉर्मल वर्किंग कपैसिटी आई एम नॉट ट्राइंग टू बी सी हाइएस्ट आई एम नॉट गोइंग टू दैट एक्सट्रीम ओके लेकिन एटलीस्ट उतना तो कंजप्शन हो जितना नॉर्मली चाहिए ठीक है सो डेंजर लेवल का फॉर्मुला विल बी दिस इंटू दिस ओके दिस इंटू दिस मेको जरा बोलो वॉट वॉज फिफ्टीन एवरेज कंजम्प्शन एंड वॉट वॉज फोर डेज सी लीड टाइम ठीक है अभी ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है ना मैंने नीचे डाल के वो रखा हुआ एक बार पढ़ लेते हैं इमिजिएटली टाइम डेंजर लेवल इज इक्वल टू एवरेज कंजम्शन इन टू एमरजेंसी या इमीजिएटली टाइम सम बुक्स टेक एज मिनिमम कंजम्पन इंटू इमिजिएट लीडम वी शुड नॉट बी डूइंग दैट फैक्ट्री शुड रन एटलीस्ट एट नॉर्मल लेवल ठीक है तो यू ऑल राइट डाउन तो तुम लोग एक फॉर्मूला लिखो डेंजर लेवल इज इक्वल टू ये पार्ट फोर्थ ऑफ योर आंसर है जो चीज मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यू ऑल राइट डाउन एवरेज कंजम्पशन इंटू इमरजेंसी लीड टाइम ज इक्वल टू फिफ्टीन इंटू फोर इज इक्वल टू सिक्सटी बस चलो सुन तुम्हारा ये वाला जो काम है ये मैंने खत्म कर दिया ओके तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इज ऑल टूगेदर ओके सुन अभी ट्वेंटी फाइव के बाद सॉरी ये ट्वेंटी सेवन था तो ट्वेंटी सेवन इज डन बोलो आप किधर भी दिखा दो आप परचेस कॉस्ट के अंदर ही दिखा दो इट इज नॉट अ लॉस और समथिंग इफ यू वांट टू ट्रांसफर बाद में ना एक चैप्टर आएगा कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देर आल बी एबल टू टेल यू मच मोर एज कम्पेयर टू वट आई कैन इफ यू वॉन्ट टू टेक इट एज अब नॉर्मल थिंग यू कैन ट्रांसफर इट टू कॉस्टिंग टी एन एल ओके वर्ना देर इज अस्टम ऑफ वेरियंस इज डन टू टैकल ऑल सच काइंड ऑफ थिंग सो वेट ओके वो आपको इस चैप्टर के लिए तो कभी भी नहीं पूछेंगे ठीक है चलो सुनो किस में बेटा बफर स्टॉक नहीं आएगा इसके अंदर देर इज नो कंसेप्ट ओनली ऑफ बफर स्टॉक नो इन दिस ओके यहां पे बफर स्टॉक का फंडा कैसे आ जाएगा वो तो आर के अंदर ऑलरेडी आ गया रहेगा उस लेवल पर नहीं ऑर्डर किया तो बफर स्टॉक मतलब यू आर कीपिंग समथिंग एक्स्ट्रा तो डेंजर लेवल का मतलब ही वही होएगा इन दिस केस मतलब ये जो 60 है इसके ना बफर वगैरह सब इंक्लूडेड है बेटा इसके ना अभी अलग से बफर स्टॉक वो कभी भी नहीं ऐड होएगा ठीक है सुनो अभी तुम लोग क्या करने वाले हो ये एक क्वेश्चन था जो मैंने बनाया था थोड़ा सा अजीब टाइप है वंस यू विल रीड नो मैं तुमको रीड करके देगा मैं तुम्हारे लिए एक डेटा कंप्यूट करेगा फिर उसके बाद आई विल लीव यू ऑल विद योर सेल्फ फॉर थ्री मिनट्स बिकॉज देर आर थ्री क्वेश्चन इन दैट ओके एंड देन वी विल डिस्कस ओके पढ़िए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री सिक्सटी डेज इन अयर आई शैल अज्यूम अ कंपनी कंज्यूम्स थर्टी नाइन नाइन सिक्सटी यूनिट इन अयर ओके लीड टाइम फ्रॉम द सप्लायर इज थ्री डेज वट शुड द कंपनी डू करंट स्टॉक लेवल इज level is 333, 444, 222. अभी ये अजीब नंबर्स क्यों हैं? वो थोड़ी देर के बाद लेकिन सुनो यहां पे ना लीड टाइम जो है डेज के अंदर है ना मैं पहले कंज़म्पशन पर डे निकाल लेता हूं ठीक है उसके बाद देन यू ऑल ट्राई टू बी थिंकिंग लिखो जरा प्लीज क्वेश्चन नंबर 28. एट आप इसको कंज़म्पशन बोल लो या एवरेज कंजम्पशन बोलो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता एक्चुअली कंजम्पशन पर डे पूरे साल के अंदर 39960 यूनिट्स कंज्यूम होते हैं यस 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 39960 डिवाइडेड बाय 360 111 वन 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 यूनिट्स अच्छा अभी तुम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है ठीक है देर आर थ्री पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वट शुड द कंपनी डू इफ इट्स करंट स्टॉक लेवल इज दिस मच दिस मच और दिस मच ठीक है अभी तुम लोग आराम से सोचो खासकर लास्ट वाले पार्ट सी के लिए ना आई वॉन्ट सम गुड आंसर्स मैं तुमको तीन मिनट ही दे रहा हूं ऑल दो फर्स्ट टू आंसर्स के लिए तुमको मेरे ख्याल से दस दस सेकेंड ही जाएगा सोचो आराम से तीन मिनट के बाद भी आंसर दिस सोचते रहना यू ऑल नो एवरीथिंग नथिंग दैट यू ऑल डोंट नो नाउ तुम लोगों ने पार्ट वन और टू का आंसर यू ऑल हैव थॉट चलो ठीक है तो मैं एक काम जरा करता हूं आई स्टॉप द वॉच ओनी और पार्ट ए और बी अभी आंसर कर देते हैं चलो पार्ट ए का आंसर जरा बोलो मेरे को ऑर्डर और। तुमको ये समझा ऑर्डर नाउ ओनी क्योंकि तेरे पास 333 यूनिट्स हैं अगर तेरे पास 333 यूनिट्स हैं मेरे को बोलो 333 यूनिट्स विल लास्ट फॉर कितना डेज थ्री डेज और लीड टाइम भी कितना है थ्री डेज तो मतलब अभी तू और वेट नहीं कर सकता इनफैक्ट अगर और वेट करेगा तो फिर शायद स्टॉकआउट होने का चांस होगा इज दट अंडरस्टूड तो दे इज ओनली वन आंसर ऑर्डर नाउ बस बात खत्म हो गई तो एक काम जरा करो तुम लोग ऐसे जरा वो लिखना पार्ट ए करंट स्टॉक लेवल थ्री थर्टी थ्री यूनिट्स चलो सुनो नेक्स्ट साइन पे जरा लिखना करंट स्टॉक Will last for three days. Lead time is also three days, therefore, order. No. चलो जो लोग मेरे को पार्ट थर्ड का आंसर दे रहे हैं कुछ और ऑप्शन भी सोचते रहो अच्छा मेरे को पार्ट बी एक लाइन के अंदर खत्म करके दो मेरे को बोलो पार्ट बी के अंदर मेरे को क्या करना चाहिए वी कैन वेट फॉर वन डे एंड देन प्लेस दैट ओके अगर एक दिन के बाद भी ऑर्डर प्लेस करेंगे इट इज ऑल ओके नो देन ओके okay. तो एक काम जरा करो ऐसे लिखो यार जैसे वो पहले लिखा था करंट स्टॉक लेवल फोर 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 करंट स्टॉक विल लास्ट फॉर फोर डेज लीड टाइम इज थ्री डेज क्या बोलो बेटा आर ओ मेरे ख्याल से 333 ही होता ना अगर आप जो आर ओ है तो वो कंप्यूट करते तो इट इट इज 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 एवरेज लीड लीड टाइम टाइम सो डेज आपको आर अगर चाहिए तो ओ एल विल बी थ्री थर्टी थ्री इन दिस क्वेश्चन मेरे को वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि सम ऐसा नहीं है लेकिन जो आर ओ है वो थ्री थर्टी थ्री है ना मैक्सिमम कंजम्पशन इन टू मैक्सिमम लीड टाइम ओके okay, तो अभी 444 है आप एक दिन के लिए वेट करोगे इट विल बिकम 333 नो देन ठीक है कंपनी कैन वेट फॉर वन डे एंड देन प्लेस एन ऑर्डर देखो आर ओ एल निकाल के यही चीज एक्सप्लेन करने का इट्स ऑल फाइन प्रॉब्लम आर ओ एल इज नॉट द डेंजर लेवल बेटा वी डोंट नो वट इज द इमरजेंसी रीट टाइम वी डोंट नो दैट तो आप डेंजर लेवल कंप्यूट नहीं कर सकते अच्छा अभी लिखो पार्ट सी अच्छा यहां पे ना ऑल्सो वर्ड मत लिखना यार डजन मेक सेंस इनफैक्ट पार्ट बी के अंदर भी ना ऑल्सो वर्ड निकाल देना फर्स्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया तो वो ऑल्सो वर्ड भी रह गया अच्छा सुनो 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 अभी तुमको एक चीज समझ में आता है कि पार्ट सी के अंदर आर ओ एल ऑलरेडी बीत चुका है यू शुड आर लेट इन ऑर्डरिंग यार। इफ यू आर लेट इन ऑर्डरिंग तो एक चीज सुनो बिफोर यू ऑल सजेस्ट मी एवरी अदर ऑप्शन वन थिंग दैट यू ऑल शुड डू फर्स्ट मेरे को बोलो वॉट यू ऑल शुड डू फर्स्ट पहले ऑर्डर तो कर ओके okay. तो एक काम जरा करो यू ऑल राइट डाउन Company should place the order immediately. Company should place the order immediately. अच्छा एंड सुन मेरे को ऑलरेडी कई ऑप्शंस मिल चुके हैं लाइक यू नो मेन मेनी पीपल हैव टोल्ड द करेक्ट थिंग आल्सो वन ऑप्शन आई हैव नॉट गॉट टिल नाउ मेरे को बोलो एक तो अपने को ऑर्डर ऑर्डर ही तो लेट हो गया भाई तो ऑर्डर तो प्लेस कर तू ओके तो ऑलरेडी डैम यू आर लेट यार ओके तो ऑर्डर तो कर चल उसके बाद लेकिन अपने को कुछ ना कुछ तो और करना चाहिए मेरे को जरा बोलो क्या क्या कर सकते हो कंजम्शन कम कर सकते हैं एज मेनी पीपल हैव टोल्ड टू 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 यूनिट्स अपने पास बच गए डिवाइडेड बाई थ्री डेज आई कैन स्टार्ट टू बी कंज्यूमिंग 74 फोर यूनिट्स पर डे तो ऐसा कुछ कर सकते हो यू कैन ट्राई टू टेल यूर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भाई कंज्यूम 74 फोर यूनिट्स पर डे उससे ज्यादा मत मांगना जस्ट फॉर दिस मच टाइम ठीक है दिस मच टाइम बोले तो थ्री डेज नो और क्या ओके okay, तो उसके बाद तो नया स्टॉक आ ही जाएगा चलो देर इज वन ऑप्शन मेरे को कुछ और ऑप्शन भी दो तो? सप्लायर को बोलेगा एक्स्ट्रा पैसा ले एंड डिलीवर द माल इन कितना डेज बेटा टू डेज ओके तो अगर वैसे करेगा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके okay. एक और ऑप्शन जो मैं सोचता हूं एक्चुअली और कोई भी नहीं सोचता कभी भी आई डोंट नो द रीजन वाई तू एक दिन के लिए फैक्ट्री बंद कर दे और क्या वो भी एक ऑप्शन तो है ना यार कोई बोलता नहीं सर वी विल सफर एक सेकेंड

सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव द ऑप्शन विच आर देयर बाई देयर विद द कंपनी आगे कंपनी की मर्जी भाई तुमको तो जो अच्छा लगे तो वो ले लो ओके okay? अभी एंड के बाद यहां पे लिखना स्टार्ट करना लिखो कीप फैक्ट्री एक मिनट इसको फर्स्ट लिखो इसको सेकेंड लिखो कीप फैक्ट्री क्लोज फॉर वन डे और Consume two to two divided by three is equal to seventy four units per day for three days or pay extra and tell supplier. to come in two days. चलो सुनो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन टू साइड्स ये वन साइड के अंदर हो ही जाएगा थ्री साइड्स उसके बाद फाइव उसके बाद ये भी वन साइड के अंदर हो जाएगा सिक्स सेवन एट नाइन टेन आप लोग टेन साइड छोड़ दो बेटा ठीक है आप टेन साइड छोड़ दो फॉर ऑल द क्वेश्चन एंड कम ओर टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स सॉरी थर्टी सिक्स यू लीव टेन साइड्स नो तो इंडिविजुअली तो वो क्या करने का है अपने को वो डिपेंड करता बेटा वो डिपेंड करता दैट वी डोंट नो ओके तो आई एम जस्ट तो अगेन आई एम सेइंग आई एम गिविंग द ऑप्शंस ओके यू माइट नॉट हैव अ अज इस कॉन्ट्रैक्ट ओके तो दैट इज अ पॉइंट अगर वहां पर योर कॉस्ट बी फार मोर देन डोंट गो फॉर दैट आई एम गिविंग ऑप्शन लेट द कंपनी वैल्यू एट नो बोलो क्या हुआ फिर से बोल फिर से बोल यस yes. बराबर है यू शुड नॉट गो बट आई वॉज नॉट आस्ट टू कंप्यूट द डेंजर लेवल मैम आई वॉज नॉट आस्ट टू बी डूइंग दैट आई एम गिविंग ऑप्शन टू अ कंपनी ओके आई एम गिविंग ऑप्शन टू अ कंपनी तुमको नहीं करना तुम मत करो एडवाइस देने के अंदर तो क्या जाता है अपना ओके okay. अगर आपको वैसे है देन यू डू नॉट गो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन देन यू गो फॉर इधर दिस ऑप्शन और दिस ऑप्शन अगर देखो ऐसा लगता है कि वो पाप हो जाएगा तो फिर वो आप मत करो और क्या यू कैंट हैव रूल्स नो फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स ओके इफ यू वॉन्ट टू बी डूइंग इट यू कैन डू इट मैं एडवाइस दे रहा हूं हाँ आगे okay. चलो कुछ नहीं सुनो तो दस साइडें वो छोड़ दो तुम लोग पांच मिनट का ब्रेक लो पांच मिनट के बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स सॉल्व करेंगे ओके वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इसलिए तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा वो खाली चाहिए मेरे को ताकि आई कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन ओके तो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स पांच मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं ठीक है पांच मिनट के बाद स्टार्ट करता हूं चलो सुनो अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ना इफ माई मेमोरी इज ऑल राइट काफी पुराना क्वेश्चन है इंस्टिट्यूट ने एक ही बार ऐसा क्वेश्चन वो पूछा है जहां पर उन लोगों ने ये सारे फंडे पूछे विद प्रोबेबिलिटी ईओ क्यू आएगा आर ओ एल आएगा मैं शायद इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारे लिए एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकूं इसका जो मैंने शॉर्ट्स बनाया है एक्चुअली उसको शॉर्ट्स बोलना भी गलत है वो लॉन्ग ट्राई टू बी एक्सप्लेनिंग ओके तो शॉर्ट्स मत पढ़ना क्वेश्चन दिस क्वेश्चन 2004 के अंदर पूछा था 2004 के अंदर फॉर नाइन मार्क्स उसके बाद यह वाला क्वेश्चन नहीं पूछा अगर इंस्टीट्यूट को कभी अच्छे क्वेश्चंस पूछने का मन होएगा, ओके स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन होएगा यू विल गेट योर बिग ब्रेक आफ्टर दैट ओके तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स एक्स लिमिटेड यूजेज अ स्मॉल कैस्टिंग्स इन वन ऑफ इट्स फिनिश द कास्टिंग्स आर परचेज फ्रॉम अ फाउंड्री फाउंड्री फॉर ऑल विल मीन अ सप्लायर तो अपने रॉ रॉ मटीरियल जो है दैट इज कैस्टिंग दैट इज यूज ठीक है एक्स लिमिटेड परचेज फिफ्टी फोर थाउजेंड कैस्टिंग ऑब्वियसली फिफ्टी फोर थाउजेंड ए हो जाएगा आठ सौ जो है तुम्हारा सीपीयू हो जाएगा ठीक है थ्रू आउट दर देखो लिखा हुआ है कैस्टिंग थ्रू आउट द ईयर मतलब अपना मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज कंजम्पन अपना सेम ही रहेगा ओके इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन 360 सिक्सटी डे पर ईयर बेसिस तो सामने बोल भी दिया कि चलो 360 सिक्सटी डे ही लेना ठीक है आगे कंपनी एस्टिमेट दैट इट कॉस्ट नाइन थाउजेंड टू प्लेस अ सिंगल परचेज ऑर्डर ओके एंड अबाउट थ्री हंड्रेड टू कैरी वन कैस्टिंग इन इन्वेंट्री फॉर अयर ठीक तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ना अपने को नौ हजार रुपया लगता है टू प्लेस सिंगल अलचेज ऑर्डर तो बेटा नौ हजार क्या हो जाएगा सी एंड अबाउट थ्री हंड्रेड टू कैरी वन कैस्टिंग इनवेंट्री फॉर अयर ये सी आई हो जाएगा अब ये अगर सोचोगे ना ये तीन सौ रुपया बहुत ज्यादा है आज तक के अपने सारे क्वेश्चन याद करो लाइक यू नो अगर सी पी यू आठ सौ रुपया होता है तो उसका टेन या फिफ्टीन परसेंट जो इंटरेस्ट रेट होता है तुम्हारा सी आई उतना ही होता है इस क्वेश्चन के ना बहुत ज्यादा है वो लोग आगे ना तुमको टाइम पास के लिए बता भी रहा है ज्यादा क्यों है ऑल मेरे को क्या करने का है ज्यादा है तो है लेकिन अभी वो लोग बोल रहे हैं तो सुन दो और क्या दी हाई कैरिंग कॉस्ट मतलब तीन सौ रुपए यार बहुत ज्यादा हो गया रिजल्ट फ्रॉम नीड टू कीप कैसिंग इन केयरफुली कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन एंड फ्रॉम हाई कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस वो लोग क्या बोलते हैं वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि मटेरियल को अपने को एक कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर वो रखना पड़ता है और ह्यूमिडिटी कंडीशंस के अंदर वो रखना पड़ता है वरना वो खराब हो जाएगा और इंश्योरेंस का भी कॉस्ट बहुत अभी ज्यादा है तो है उसके बारे में क्या मैं बात करूं ये पूरा सम ना ये पूरा का पूरा सम जो है ना ये मैं इन लाइंस की वजह से कर रहा हूं बस ब्रिलियंट ब्रिलियंट डिलीवरी फ्रॉम द फाउंड्री जनरली टेक सिक्स डेज बट इट कैन टेक एज मच एज टेन डेज तो वो लोग क्या बोलता है कि ना सप्लायर बोले तो फाउंड्री उससे स्टॉक यूजुअली कितने डेज के अंदर आ जाना चाहिए छ लेकिन वो लोग बोलता है दस दिन भी लग सकता है तो चलो ठीक है द डेज ऑफ डिलीवरी टाइम एंड देयर परसेंटेज ऑफ अकरेंस आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल तो स्टॉक छे दिन के अंदर आ जाएगा उसका परसेंटेज ऑफ अकरेंस बोले तो प्रोबेबिलिटी इस 75 परसेंट बोले तो 75 परसेंट चांस है कि स्टॉक कितने डेज के अंदर आ जाएगा बेटा सिक्स डेन परसेंट स्टॉक आने के लिए कितना टाइम लग सकता है सात दिन पांच परसेंट चांस है आठ डे पांच परसेंट चांस है नाइन डेज लास्टली लास्ट फाइव परसेंट चांस है कि दस दिन भी लग सकता है ऑब्वियसली दस दिन के अंदर स्टॉक आई जाएगा वो तो इन लोगों ने ऊपर भी लिखा हुआ था ओके दोस्ट एड रि नो की स्टॉक माई टेक एज मच एज टेन डेज ऑल्सो ठीक है आगे फर्दर रिक्वायर्ड ट्यूट द इो तुम लोग अभी के लिए ऑनेस्टली एक ही क्वेश्चन आंसर कर सकते हो तो कर लेते हैं अपनी नोटबुक्स के अंदर लिखो वो भी इसलिए शायद क्योंकि हम लोगों ने ए सी और सी आई ऑलरेडी मार्क वो कर ही दिया लिखो तुम लोग राइट हम एक-एक करके पार्ट्स करते हैं सारा पार्ट इकट्ठा पड़ेगा यू ऑल विल बिकम मैड ओके लिखो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स राइट डाउन ए कैपिटल ए फिफ्टी फोर थाउजेंड उसके बाद लिखो सी ए रूपीज नाइन थाउजेंड सर कैन यू रिपीट बेटा ए फिफ्टी मैं लिख मैं लिख देता हूं ए फिफ्टी फोर थाउजेंड सी ए रुपीज नाइन थाउजेंड सी पी यू आठ सौ रुपए का था जो मेरे को काम भी नहीं आएगा इस क्वेश्चन के अंदर सी आई इज रुपीज थ्री हंड्रेड उसके बाद पार लिखो पार्ट ए क्यू उसका फॉर्मूला लिखो आंसर निकालो चलो सुनो हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया उसके अंदर तो ऑनेस्टली कुछ करने वाला भी नहीं था यार ये पार्ट फर्स्ट था पार्ट ए नहीं था पार्ट फर्स्ट था अच्छा पहले मेरे को एक चीज जरा बोलना कली किया था शायद शॉर्ट्स के अंदर भी लिखा हुआ था इफ यू एवर ऑर्डर एट रिओर लेवल वॉट इज योर रिस्क ऑफ आउट जीरो परसेंट अभी पड़ना शायद समझ में आए शायद अज्यूम दैट कंपनी इज विलिंग टू अज्यूम 15% परसेंट रिस्क ऑफ बींग आउट ऑफ स्टॉक वॉट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक एंड रिऑर्डर पॉइंट सेफ्टी स्टॉक को मारो बोली वो क्या होता है वो बाद में देखेंगे रिओर्डर पॉइंट बोले तो रिओर्डर लेवल मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं कर रहा हूँ आई वॉन्ट यू ऑल टू बी थिंकिंग दिस पहले मेरे को जरा बोलो इस क्वेश्चन के अंदर लीड टाइम इज मेजर्ड इन डेज वीक्स के मंथस डेज ना तो, तो फिर मेरे को कंजम्पशन भी तो पर डे निकालना पड़ेगा ना ओके तो एक काम जरा करो यू ऑल राइट डॉन कंजम्प्शन पर डे इज इक्वल टू 54,000. अच्छा मेरे को बोलो 54,000 फोर परचेज होंगे तो कंज्यूम भी तो हो ही जाएंगे मेरे ख्याल से 54,000 फोर थाउजेंड्स कंज्यूम कितने डेज के अंदर बॉस 360. 360. 360. ये आंसर जरा निकालना कितना आता है 360. 150 फिफ्टी पर डे अच्छा अभी तुमको एक चीज मैं बोल रहा हूं फिर तुम्हारा काम सोचना अगर ये क्वेश्चन पार्ट टू के अंदर सिर्फ इतना होता ना फाइंड रिओर्डर लेवल ठीक है अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता फाइंड लेवल, तो मैं मेरे दिमाग में सोचता सर ने सिखाया रिओर्डर लेवल इज मैक्सिमम कंज़म्पशन इन टू मैक्सिमम लीड टाइम अभी तुमको समझ में आएगा ये जो तूने 150 निकाला ना बेटा यही तेरा मैक्सिमम है आगे बोलो यही मिनिमम है और यही एवरेज है कुछ और तो नहीं दिया इनफैक्ट सम के ना शायद दिया भी हुआ है कि ना आर यूज इवनली थ्रू आउट द ईयर तो तुम्हारा रोज का कंजम्पशन सेम ही है तो वही मैक्सिमम वही मिनिमम वही एवरेज हो जाएगा यहां पे ना जरा लिख के रखो दिस इज मैक्सिमम कॉमा मिनिमम एंड एवरेज अच्छा सुनो अगर ही मेरा एक रेगुलर क्वेश्चन होता ना तो पार्ट टू के अंदर सिर्फ इतना ही पूछा होता फिर कैलकुलेट रिओर्डर लेवल अगर चलो ऐसा क्वेश्चन होता तो फिर मैं ये सोचता सर रिओर्डर लेवल ऐसे कंप्यूट होता है ना मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम तो मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे तेरा कितने यूनिट्स का है 150. और मेरे को अभी जरा बोलो वट इज मैक्सिमम लीड टाइम इन दिस क्वेश्चन डेज़, तो इनटू 10 टेन कर देता तो आंसर आ जाता पंद्रह यूनिट अभी ग्राफ बना के दिखाता है मेरे गिरते, 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 टच हो गया तूने ऑर्डर प्लेस कर दिया को बोलो, 0 सोचना जीरो परसेंट क्यों बोलो वर्स टू तेरा देख कंजम्पशन तो तेरा फिक्स तो पंद्रह सो ही है सॉरी वो तो डेढ़ सौ यूनिट पर डे है ठीक है वर्स टू वर्स तेरे साथ क्या हो सकता है कि सप्लायर विल कैन यू टेल फॉर कम इन टेन डेज तो तेरे पास दस दिन का तो स्टॉक है ना तेरे पास तो इफ यू ऑर्डर एट पंद्रह सो देर इज जीरो परसेंट रिस्क ऑफ स्टॉक आउट एक मिनट सबको लाइन समझा देर इज सम क्या बोला जीरो परसेंट रिस्क ऑफ स्टॉक लेकिन अभी सामने क्या बोला दैट कंपनी टू अज्यूम फिफ्टीन परसेंट रिस्क ऑफिंग आउट ऑफ स्टॉक कंपनी परसेंट रिस्क उठाने के लिए तैयार है नाउ वट विल बी द रीऑर्डर लेवल ठीक है मैं सिखा सकता हूं लेकिन आई वॉन्ट ऑल टू अप्लाई और माइंड। और आंसर तुम लोग को तभी आएगा जब तुम ये वाला जो डेटा है ना मिनिमम तीन बार पड़ेगा और फिर क्वेश्चन फिर से पड़ेगा और फिर आंसर सोचने का स्टार्ट करेगा मैं तुम लोग को तीन मिनट दे रहा हूं मेरे को आंसर मैसेज करना थोड़ा तो सा टाइम जाएगा एक मिनट से पहले मत करना गलत होएगा श्रीधर वो गलत है मीत गलत है महक गलत है श्रीधर करेक्ट है परशुवा गलत है मीत गलत है सिमरन गलत है देव करेक्ट है जिन लोगों मैंने बोला है करेक्ट है पार्ट थर्ड ट्राई मारना स्टार्ट कर देना विशाल गलत है हर्षी गलत गलत है बेटा गीता गलत है साक्षी करेक्ट है प्रथम करेक्ट है अभिषेक गलत है श्रीधर करेक्ट है देव तेरा टाइपिंग एरर है गलत है, चलो सुनो देखो हम्म करेक्ट है सुनो देखो अभी पार्ट टू जिन लोगों का आंसर आया भी है ना देर आर फ्यू थिंग्स दैट यू ऑल डोंट नो क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ तुम लोग को री ऑर्डर पॉइंट ही कंप्यूट करवाया सेफ्टी स्टॉक नहीं कंप्यूट करवाया ठीक है अभी सब लोग सुनो सर, देखो एक लाइन बोलता हूं सब लोग मेरे को बोलना इज दैट लाइन अंडरस्टूड नॉट इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू टेक फिफ्टीन परसेंट रिस्क ऑफ बींग आउट ऑफ स्टॉक दैट कंपनी शुड बी एटी फाइव परसेंट श्योर दैट इट हैज स्टॉक्स तुमको लाइन समझा एक मिनट मेरे को जरा बोलो ट्वेंटी परसेंट चांस है कि तुम लोग एग्जाम के ना फेल हो जाओगे मतलब एटी परसेंट कि पास हो जाएगा ना तू ओके okay. तो अज्यूम दैट कंपनी इज विलिंग टू टेकेंट रिस्क ऑफ ऑपिंग आउट ऑफ स्टॉक वॉट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक एंड रियॉर्ड अ पॉइंट तो चलो ठीक है अगर 15% का रिस्क लेने का है मतलब कंपनी शुड बी 85% श्योर दैट इट हैज स्टॉक्स कीपिंग अ स्टॉक ये वाला टेबल अब जरा ध्यान से पढ़ना आंखें खोल के पढ़ना एक चीज देखो तुमको एडवांस के ना मैं पूछ रहा हूं अगर तुम्हारा नॉर्मल रिओर्डर लेवल 1500 था ना विदाउट एनी रिस्क करेक्ट नो हम लोगों ने 1500 वो बोला था ना yes, अगर तुम्हारा वो वाला आंसर 1500 था ना सब लोगों ने करेक्ट ही बोला है बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी सेइंग दैट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन तुम्हारा अभी आंसर 1500 से कम ही आएगा 1500 से ज्यादा नहीं आ सकता क्योंकि 1500 के अंदर तो जीरो परसेंट रिस्क है अगर और पहले ऑर्डर करेगा तो भी रिस्क जो है वो जीरो परसेंट ही रहेगा ना इफ एट फिफ्टीन हंड्रेड यू आर सिक्योर्ड यू आर सिक्योर्ड एट सिक्सटीन हंड्रेड ऑल्सो यू आर सिक्योर्ड एट सेवेंटीन हंड्रेड ऑल्सो ठीक है तो आंसर पंद्रह सो से ही आएगा वो तो पक्की बात है ठीक है If the company wants to take a risk of 15% of being out of stock, it should be 85% sure that it has stocks. It should be 85% sure that it has stocks. Now, next two lines are super important. Keeping a stock of 6 days will make the company sure to the extent of 75%. Why? बिकॉज देर इज अवेंटी फाइव परसेंट चांस दैट स्टॉक विल कम इन सिक्स डेज डेज जितना श्योरिटी लेवल सेवेंटी फाइव परसेंट होगा इज दिसन अंडरस्टूड क्योंकि देर इज सेवेंटी फाइव परसेंट चांस की स्टॉक छह दिन के अंदर आ जाएगा तो मतलब तेरा श्योरिटी लेवल भी सेवेंटी फाइव परसेंट ही है ना तो अगर तूने छह दिन का स्टॉक रखा तो तेरा श्योरिटी लेवल कितने परसेंट का होगा सेवेंटी फाइव परसेंट लेकिन तेरे को श्योरिटी लेवल कितने का चाहिए मेरे को एक नंबर बोलो 85 परसेंट तो तेरे को 10 परसेंट का एक्स्ट्रा श्योरिटी चाहिए फॉर दैट 10 परसेंट का एक्स्ट्रा सेफ्टी कैन बी से यू हैव टू बी कीपिंग स्टॉक फॉर द सेवेंथ डे आल्सो तो अगर मैंने सात दिन का टोटल स्टॉक रखा मेरा श्योरिटी लेवल कितने परसेंट का होगा 85 फाइव ये समझा तुम लोगों ठीक yes. है अगर नहीं समझा कुछ भी डाउट रहा तो वेट करो थोड़ा सा टाइम लगेगा तो अगर तूने सात दिन जितना स्टॉक स्टॉक रखा रखा ना दिन जितना तेरा श्योरिटी लेवल 85 परसेंट होगा मेरे को वही चाहिए था सात दिन जितना स्टॉक बोले तो इंटू वन फिफ्टी यूनिट तो ये वाला आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा 1050 देखो अभी दिस सेंस टू यू सोचना अभी तक मैंने मेरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं किया बहुत बाकी है मेरे को जरा बोलो अगर मैं 1050 यूनिट्स के लेवल के ऊपर ऑर्डर करता हूं सोचना 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 तो स्टॉक गिरते 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 बराबर से सुनना एंड ट्राई टू तो आंसर बेनेवर आया उसकी स्टॉक गिरते 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 1050 के लेवल को टच हो गया मेरे लिए तो वही रीऑर्डर लेवल है अभी ओके अगर मैंने 107 जीरो सेवन सॉरी वन के लेवल के ऊपर ऑर्डर कर दिया मेरे को बोलो क्या चांस है कि तू बच गया 85 परसेंट नो अब मेरे को एक और चीज जरा बोलो तू कब बचेगा जब स्टॉक विल कम इन ईधर सिक्स डेज और सेवन डेज मतलब विद इन सेवन डेज इज दिस ओके और तू मरेगा कभी जब सात दिन के बाद आएगा अभी आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, सुनो। अगर स्टॉक आठवें दिन के बाद आया देर विल बी स्टॉक आउट फॉर वन डे ये समझा ये। अगर स्टॉक नौवे दिन के बाद आया बी स्टॉक आउट फॉर टू डेज अगर स्टॉक दसवें दिन के बाद आया स्टॉक आउट विल हैपन फॉर थ्री डेज और स्टॉक एर्थ डे नाइन्थ डे या टेंथ डे आने का चांसेस कितने परसेंट का है पंद्रह परसेंट तो पंद्रह परसेंट चांस है कि तू मरा लेकिन 85 परसेंट चांस है कि तू बच गया so, सो अपना माइक सॉफ्ट कर दो प्लीज सुनो so, तो इन दिस पर्टिकुलर केस देर इज 85 फाइव परसेंट चांस दैट यू विल बी सेफ एंड इन दिस पर्टिकुलर केस देर इज 15 परसेंट चांस स्टॉक स्टॉकआउट हो जाएगा ठीक है इज दिस ओके पहले मेरे को बोलो एक बार तो तुम्हारा जो आंसर है ना वन जीरो फाइव जीरो ही रहेगा तुम्हारा जो आंसर है वन जीरो फाइव जीरो रहेगा एक्चुअली मेरा काम बहुत ईजी हो जाता अगर आईसे ने ना सिर्फ यही पूछा होता कि री ऑर्डर पॉइंट निकालो लेकिन ना उन लोगों ने सेफ्टी स्टॉक भी पूछ लिया था अभी ऑनेस्टली आई डोंट नो कि ना ये वाला क्वेश्चन ये लोग कभी भी सीए इंटर के अंदर फिर से पूछेंगे कि नहीं ऑल दो इट इज पार्ट ऑफ योर चैप्टर बट आई डोंट नो दे वुड अगेन लाइक टू गो टिल दिस पर्टिकुलर लेवल और नॉट क्योंकि ना जब आईसीए ने इसका आंसर भी दिया ना उन लोगों ने आंसर तो करेक्ट ही दिया टू बी वेरी ऑनेस्ट ओके लेकिन ना कई चीजें थी जो आईसीए को शायद एक्सप्लेन करने को नहीं आता क्यों ऐसा मैं क्यों बोलता हूं सर आप हमेशा इंस्टीट्यूट को गाली देते हो नहीं मैं गाली आई एम आ मेंबर ऑफ इट यार मैं क्यों गाली देगा गाली नहीं देता लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं कि ना उनको कई चीजें एक्सप्लेन करनी चाहिए वो लोग एक्सप्लेन नहीं करता यार उन लोगों ने क्या पूछा वट विल बी सेफ्टी स्टॉक एंड ओके अभी मेरे को ये एक्सप्लेन वो करने के लिए ना आई हैव टू टू गो अ लेवल विच इज ऑनेस्टली वेरी हाई इन फैक्ट फाइनल सी ए के भी ऊपर इन फाइनल सी ऑल्सो आई डोंट डील इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट क्योंकि वो पोर्शन के अंदर नहीं आता तो मेरे को डील करने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन अभी डील करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि ना उन लोगों ने मेरे को सेफ्टी स्टॉक पूछ लिया अभी इन रियल लाइफ ना मोस्ट ऑफ द पीपल एन आई सेन मोस्ट ऑफ दीपल नो आई से मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर ओनली ओके वो लोग ऐसा बोलता है सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक सेम होता है ऐसा कुछ नहीं होता ओके बफर स्टॉक इज ब्लडी वन डिफरेंट थिंग सेफ्टी स्टॉक इज समथिंग एल्स ओनली इन लाइफ ओके आई एम जिस ट्राइन टू टेल यू और जो मैं इस क्वेश्चन के लिए बोलूं ऑनेस्टली वो इसी क्वेश्चन तक रिस्ट्रिक्ट रखना ठीक है एम ट्राइंग टू टेक यू माइट बी टू अवल जो लाइक सुपर हाई बट आई थिंक यू ऑल विल अंडरस्टैंड यू ऑल आर इंटेलिजेंट पीपल आर बराबर से सुनना देखो मैंने जब आर ओ एल का फंडा स्टार्ट भी किया था ना मेरे को एक बार जरा बोलना ड्यू वाल रिमेंबर आर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर्स याद है नंबर्स याद है तो फिर मैं उसके थ्रू अगर एक्सप्लेन करेगा ना माई कम्युनिकेशन विल बी स्लाइटली फास्टर ओके सो आई ट्राई टू यूज दोस्ट जो फर्स्ट जो क्वेश्चन जो मैंने बनाया था जो उसके अंदर थे मैंने कल तुम लोगों को ना फॉर्मूला कुछ ऐसे कराया मैक्सिमम कंजम्प्शन इन टू मैक्सिमम लीड टाइम प्लस बफर स्टॉक ठीक है मेरे को बोलो अपने कल के फर्स्ट क्वेश्चन के ना मैक्सिमम कंजम्पशन कितना था किसी ना किसी को तो याद होगा फोर फिफ्टी मैक्सिमम लीड टाइम सिक्स वीक्स था ना बफर स्टॉक हंड्रेड यूनिट्स का था तो तुम्हारा आंसर दो आया था मैंने इनफैक्ट तुम लोगों को पूछा भी था इफ यू ऑर्डर एट टू थाउजेंड एट हंड्रेड विस्किंग आउट ऑफ स्टॉक जीरो जरा सोचो ना इवन इफ दिस बफर स्टॉक इज नॉट देर योर रिस्क इजो परसेंट नो बफर स्टॉक इनफैक्ट मैंने उसका इंट्रोडक्शन भी ऐसे ही दिया था कि ना मेरे दिमाग के अंदर एक अजीब गरीब एक चीज है मेरे को 100 यूनिट हमेशा मेरी फैक्ट्री के अंदर चाहिए वर्स टू वर्स भी हो जाएगा ना मेरे को 100 यूनिट तो चाहिए वरना मेरे को हार्ट अटैक आएगा मैं मर जाएगा तो ओनली फॉर दैट ब्लडी नो आई कीप 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा वरना तेरे को सारा का सारा सेफ्टी 415 फिफ्टी इंटू सिक्स से तो मिल ही जाता है डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लाइन तेरे को सारा का सारा सेफ्टी फोर फिफ्टी इंटू सिक्स से मिल जाता है वर्स टू वर्स तेरे साथ क्या होगा सर साढ़े यूनिट और वर्स क्या होएगा सप्लायर विल कम इन सिक्स वीक्स तो भाई इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता ठीक है इन रियल लाइफ ना ROL कोई ऐसा कंप्यूट ही नहीं करता दिस इज थर्ड क्लास थिंग ओके आईसीए को या फिर आर ओ एल वैसे एक्सप्लेन करना चाहिए था जैसे अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं या फिर उनको यह वाला क्वेश्चन कभी नहीं पूछना चाहिए था आज तक ओके okay? क्योंकि अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा टेक यू अ न्यू लेवल ऑफ रीऑर्डर लेवल विच आई एम ट्राइंग टू बी डूइंग ओके रीऑर्डर लेवल इन रियल लाइफ रीऑर्डर लेवल कैसे कंप्यूट होता है उससे पहले रीऑर्डर लेवल ऐसे जिंदगी के अंदर क्यों कंप्यूट नहीं होता है? देख अगर तू ऐसे रीऑर्डर लेवल कंप्यूट करेगा ना तेरा रीऑर्डर लेवल अननेसेसरीली बहुत हाई आ जाता है जरा सोचना कल शायद अपना यह वाला एक डायलॉग भी मैंने बीच में कभी ना कभी मार दिया था साढ़े चार सौ यूनिट कंज्यूम होएगा पर वीक उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है छह हफ्तों के अंदर स्टॉक आएगा उसका प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है साढ़े चार सौ यूनिट छह हफ्ते तक लगातार कंज्यूम होएगा शायद उसका प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है करेक्ट नो Yes, अपने उस डेटा के अंदर भी साढ़े चार सौ कभी छह हफ्ते तक इकट्ठा तो नहीं चला वाई यू एवर वॉन्ट टू टेक मैक्सिमम कंजम्पन इंटू मैक्सिममली टाइम पे बोलते हैं सर आप ही ने बोला था टू हैव हंड्रेड परसेंट सेफ्टी आई डू अंडरस्टैंड दैट लेकिन जरा सोचो अगर तूने ये और ये लिया ना तो तेरा आर ओ एल बहुत ज्यादा हो जाता है बहुत ज्यादा हो जाता है फॉर वन रिमोट केस दैट माइट नेवर एवर हैपन इन योर एंटायर लाइफ तुमको समझा जो मैं बोला कोई बोलता सर लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है इफ आई एम कीपिंग माय सेल्फ सिक्योर इवन फॉर दैट वन रिमोट केस को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यूर कैरिंग कॉस्ट विल राइज नो यू ऑलरेडी हैव टू थाउजेंड एट हंड्रेड यूनिट एंड दिस इज ऑलरेडी वेरी हाई दिस विल ओनली सफाई मतलब दिस विल सफाइस इवन इफ सफाई टू वर्स थिंग्स हैपन हैपन एक्चुअली माइट नॉट इन रियल लाइफ Yes, तो क्या हो जाता है कि ना ऐसा करोगे ना माई कैरिंग कॉस्ट विल शूट अ वेरी हाई इनफैक्ट मेनी पीपल माइट स्टार्ट टू बी थिंकिंग कि सर वाई यू वॉन्ट टू बी सिक्योरिंग योर सेल फॉर द वर्स टू वर्स थिंग्स अगर कभी वर्स टू वर्स हो गया जिसका होने का चांस सर शायद पॉइंट जीरो 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 वन है आई नो कि तब अपने को लॉस होगा बट दैट लॉस माइट बी स्टिल लोअर देन कोई आगे बोल सकता है

ओके okay. और ये क्वेश्चन मेरे को करवाना था टू ओपन अप योर माइंड्स तो इन रियल लाइफ आर कैसे कंप्यूट होता है बराबर से सुनना इन रियल लाइफ कंपनीज क्या करता है वो ना ऐसा सोचता है यार अपने को कितना को आर मिनिमम आरओएल रखना चाहिए जरा सोचो ना अगर कोई गधा भी होएगा ना तो भी वो क्या करेगा वो ऐसा सोचेगा यार अपना हर हफ्ते तीन यूनिट तो कंज्यूम होता है एंड सप्लायर विल टेक मेरे को जरा बोलो यूज टू तो कम फाइव वीक्स तो इन रियल लाइफ कंपनी क्या करता है वो लोग ना आर ओ एल जो है ना सबसे पहले ना वो लोग मिनिमम आर ओ एल निकालता है मिनिमम आर ओ एल वो लोग कैसे निकालता है एवरेज कंजम्पन इन टू एवरेज लीड टाइम बोले तो मेरे को नंबर बताओ कल वाले क्वेश्चन के थ्री हंड्रेड इंटू फाइव वो लोग ना ये वाला फिगर सबसे पहले निकाल लेता है ओके और वो लोग बोलते हैं भाई इतना आर ओ एल तो रखने का ही अगर तूने इससे भी कम रखा ना तो फिर तो तू तो गधा है फिर तो तेरा हमेशा ही स्टॉक आउट होएगा तुमको समझा जो मैं बोला क्योंकि इतना कंजम्पशन तो तेरा होएगा ही होएगा आई नो रिमोट केस के अंदर शायद इससे कम भी हो जाए लेकिन वो तो रिमोट केस है ना यूजअली और फैक्ट्री शुड कंज्यूम थ्री हंड्रेड यूनिट पर वीक तुमको समझा यह चीज यूजली सप्लाई शुड बी कमिंग इन फाइव वीक्स तो इतना तो तेरे को स्टॉक रखना ही पड़ेगा ना समझा yeah. लेकिन सब लोग मेरे को बोलो समझा yeah, लेकिन इसके बाद ना इन रियल लाइफ कंपनीज क्या करता है रिस्क एनालिसिस करता है रिस्क एनालिसिस बोले तो आई टेल यू इन योर ओन वर्ड्स अगर तुमको पेपर के अंदर रिस्क लेने का है तो तुम लोग क्या करेगा सर कम पढ़ाई करेगा करेक्ट no? नो तो तुम लोग कई चैप्टर्स जो है वो छोड़ेगा दैट इज टेकिंग रिस्क अभी लेट मी कम बैक टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे को जरा बोलो अगर तुम लोग आर ओ एल सिर्फ इतना ही रखता है इज देर अ रिस्क यस और नो यस, देर इज अ रिस्क अगर कंजम्पशन 300 के ऊपर हो गया तो आगे बोलो अगर सप्लायर कभी पांच हफ्ते से ज्यादा के अंदर आया तो तो दैट टाइम दिस थिंग बी स्टॉक आउट नो ठीक है तो फिर कंपनीज़ क्या करता है वो लोग ना पहले ये वाला फिगर निकाल लेता है दिस इज मिनिमम आर ओ एल उसके बाद ना वो लोग लो रिस्क एनालिसिस करता है कि यार अगर इतना ही आर ओ एल रखा तो फिर तो आउट हो सकता है फिर वो लोग लो सोचता है हम लोग अगर इतना ही रओ रख रहा है ना तो फिर हम लोग रिस्क ले रहे हैं। अगर अपने को उतना रिस्क नहीं लेने का इस आर को बढ़ाओ जितना इस आर को बढ़ाओगे ना उतना रिस्क तुम्हारा कम हो जाएगा तुमको समझा एंड मैक्सिमम फिगर दैट दो माइट एड ओवर हियर इज बारह सोते सर बारह सो किधर से आ गया एक मिनट को बोलो अगर तुमको पूरा का पूरा सेफ होने का है कितना आ जाएगा बेटा 2700 तो जरा सोचो मिनिमम आर कितना था 1500 1500 के बाद तू रिस्क एनालिसिस करता है जब तू रिस्क एनालिसिस करता है, को लगता है भाई पंद्रह ना बहुत रिस्क है अगर ज्यादा कंजम्पशन हो गया तो ज्यादा लीड टाइम हो गया तो, तो फिर तू सोचता है कि मैं कितना रिस्क लू तेरे दिमाग में आता है मेरे को जीरो परसेंट का रिस्क लेने का है अगर जीरो परसेंट का रिस्क लेने का है तू इधर दुनिया का सबसे बड़ा नंबर डाल दुनिया का सबसे बड़ा नंबर मतलब बारह सो yes, बारह सो कैसे आया बारह सो कैसे आया मैक्सिमम कंजम्पशन इन टू मैक्सिम लीड टाइम माइनस पंद्रह सो ना लेकिन तुमको यह भी समझ में आएगा अगर तूने ये कर दिया तो यू विल कम बैक टू दिस आर सिचुएशन ओनली तो दैट टाइम यू आर कैरिंग कॉस्ट विल बी वेरी हाई नो तो कई लोग क्या बोल सकता है सर 1200 कौन करेगा वाई टू रिजर्व और वाई टू सिक्योर आर हैपन इन एंटायर वर्ल्ड सर तो क्या करते हैं सर यहां पे ना let's add हजार ओके okay, बस तुमको समझ में आएगा अगर मैंने हजार एड किया फिर भी थोड़ा सा रिस्क तो है ना लेकिन उतना रिस्क में देने के लिए तैयार हूं तुमको समझा मेरी बात मैं उतना रिस्क लेने के लिए तैयार हूं को। सर रिस्क लेने के लिए क्यों तैयार है क्योंकि मेरा भी तो कैरिंग कॉस्ट कम हो रहा है ना फिर तो एक एडवांटेज है एक डिसएडवांटेज है यू ट्राई टू बैलेंस आउट द टू कि तेरे को क्या जमता है ओके तुमको समझा मेरी बात बेटा दुनिया में ना बहुत चीजों के अंदर रिस्क होएगा अगर तू शेयर मार्केट के अंदर पैसा डालता है मेरे को बोल रिस्क है कि नहीं रिस्क है लेकिन एक एडवांटेज भी तो है दैट रिस्क रिस्क माइट लीड इनटू ग्रेटर रिटर्न्स ओके है सर सर नहीं लेने का मेरा हार्ट बहुत वीक है, सर, एक काम कर एफडी के अंदर वो पैसा डाल दे रिस्क नहीं है तो एक एडवांटेज है रिस्क नहीं है लेकिन एक डिसएडवांटेज भी तो है एफडी के अंदर पैसा डालने का क्या डिसएडवांटेज इन दिस केस तो रिटर्न विल बी लेस ओके कोई बोलता है सर ये हजार किधर से आया मेरे मन से आ गया बस बात खत्म हो गई ओके एक काम जरा करके बोलते सर हजार नहीं डालने का मेरे को इधर ठीक है तो तु तुम मत डाल तू इधर आठ सौ डाल दे ओके मेरे को जरा बोलो पहले हजार डाला था अभी आठ सौ डाला को बोलते आए ये नंबर मेरे मन से आए बस ओके को सर पहले हजार डाला अभी आठ सौ डाला मेरे को बोलो अगर मैंने हजार डालता ठीक है तो मेरे को बोलो वट इज एडवांटेज सर रिस्क कम होगा क्योंकि मैंने बड़ा नंबर एड किया ना लेकिन एक डिसएडवांटेज भी तो है क्या कैरिंग कॉस्ट मेरा तभी ज्यादा होगा अगर मैंने 800 रखा मेरा रिस्क बढ़ गया लेकिन एक एडवांटेज भी तो है क्या मेरा कैरिंग कॉस्ट कम होएगा यू ऑल अंडरस्टूड दिस ये वाला जो फिगर होता है ना ये वाला जो फिगर होता है इन रियल लाइफ इन दिस थिंग कोई भी बुक उठा लेना पूरी दुनिया में तुमको कोई बुक नहीं बताएगा ये वाला जो फिगर होता है ना इन रियल लाइफ दिस इज कॉल्ड ए सेफ्टी स्टॉक क्योंकि दिस गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा सेफ्टी दैट यू आर लुकिंग फॉर याद रखना बफर स्टॉक तेरे को कोई सेफ्टी नहीं देता अगर तू सौ नहीं भी लिखता तेरे आर ओ एल के फॉर्मूला के अंदर देन ऑल्सो इफ आई आस्क यू वट इज योर सेफ्टी मार्जिन और हाउ सेफ यू आर वट यू विल बी सेन हंड्रेड परसेंट क्योंकि मेरे को पूरा का पूरा सेफ्टी फोर फिफ्टी टू सिक्स से तो मिल ही गया ना बफर so, स्टॉक तेरे को कोई एक्स्ट्रा सेफ्टी नहीं देता बफर स्टॉक इज आफ्टर गेटिंग फुल सेफ्टी यू एड समथिंग। बट सेफ्टी स्टॉक बाय इट्स वर्ड ऑल्सो इट शुड ऑलवेज टेल यू दिस इज दैट स्टॉक दैट यू सेफ्टी एंड देयर इज नो सेफ्टी बी हंड्रेड परसेंट नो तुमको समझा मैंने क्या बोला यू ऑल अंडरस्टूड वट डिड आई से नाउ इन रियल लाइफ ये वाला जो स्टॉक है ना दिस इज कॉल्ड ए सेफ्टी स्टॉक तो ना मैं तुम लोग को यहां पर इन दिस केस बराबर से जरा सुनना आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल समथिंग दैट विल ट्राई टू मर्ज योर येस्टरडेज कंसेप्टुडेज कंसेप्ट कल मैंने तुमको ऐसे सिखाया आर ओ एल इज मैक्सिमम कंजम्शन इन टू मैक्सिमम लीड टाइम प्लस बफर स्टॉक ऑनेस्टली ऐसे कोई फंडा ही नहीं होता इन रियल लाइफ क्या होता है हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं एवरेज कंजम्पन इन टू एवरेज लीड टाइम हम लोग इन रियलिटी ऐसा काम करते हैं और फिर हम लोग रिस्क एनालिसिस करते हैं और रिस्क एनालिसिस करने के बाद हम लोग क्या एड करते हैं बेटा सेफ्टी स्टॉक बफर स्टॉक तो वैसे भी अलग कहानी है तेरे को ऐड करने का है तू कर तेरे को ऐड नहीं करने का तू मत कर ठीक है एक लास्ट चीज ये जो एवरेज कंज़म्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम है दिस इन रियल लाइफ इज कॉल्ड एज व्हाट मिनिमम रिओर्डर लेवल। इसके अंदर क्या ऐड किया जाता है सेफ्टी स्टॉक ओके एंड दिस इज एक्चुअल रीऑर्डर लेवल अगर इसके ना बफर स्टॉक ऐड करने का है फिर तेरी मर्जी ओके okay? मैंने बस क्या किया है आई वॉन्टेड दिस पर्टिकुलर थिंग टू बी नोन टू यू ऑल ताकि इन दिस क्वेश्चन आई कैन ट्राई टू टेल यू कि सेफ्टी स्टॉक इन रियालिटी क्या होता है अब मैं तुम लोग को यही वाला आंसर निकाल के देगा तुम्हारा आंसर वन जीरो फाइव जीरो था ना मैं तुम लोग को आंसर वन जीरो फाइव जीरो ही निकाल के दे रहा है लेकिन ऐसे निकाल के दे रहा है जैसे मेरे को चाहिए इन द वे दैट यू ऑल शुड लर्न एक्चुअली ध्यान से सुनना मेरे को जरा बोलो इस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई गधा भी होता अगर कोई गधा भी होता मेरे को बोलो अपने पास रिओर्डर लेवल निकालते निकालते कितने डेज का स्टॉक रखता ही रखता बोलो सिक्स डेज आई थिंक सिक्स इज ऑल्सो योर एवरेज लीड टाइम तुमको समझा क्यों एवरेज लीड टाइम देर इज सेवेंटी फाइव परसेंट चांस एट स्टॉक विल कम इन सिक्स डेज दो अगर सपोज कोई मेरे को बोलता सर, निकाल के बताओ इट इज एवरेज कंजन इन टू एवरेज लीड टाइम एवरेज कंजन एवरेज लीड टाइम पर्टिकुलर केस नाइन ओके दिस इज नॉट तेरा मिनिमम आर ओ एल नौ सौ है लेकिन मेरे को अभी एक चीज बोलना और सब लोग बोलना वर्ना मैं पागल हो जाएगा अभी ओके okay. अगर तूने सिर्फ 900 यूनिट का स्टॉक रखा ना योर रिस्क ऑफ स्टॉक आउट इज पच्चीस परसेंट पच्चीस परसेंट कैसे आया पच्चीस परसेंट कैसे आया हंड्रेड माइनस सेवेंटी फाइव तो तेरा रिस्क पच्चीस परसेंट का हो गया लेकिन देखो रिस्क कितना लेने का है पंद्रह परसेंट तो कैनवी से उस दस परसेंट को कम करने के लिए तेरे को सातवें दिन का भी स्टॉक रखना पड़ेगा वो जो सेवेंथ डे का स्टॉक है वो जो सेवेंथ डे का स्टॉक है दैट इंक्रीजेज योर सेफ्टी बाय टेन परसेंट विल बी कॉल्ड ए सेफ्टी स्टॉक इज दिस तो मैं इधर 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 सेफ्टी स्टॉक लिखेगा वन फिफ्टी इंटू वन डे दिस वन डे इज विच डे सेवेंथ डे तो बस दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज सेफ्टी स्टॉक तो तेरा जो एक्चुअल रिओर्डर लेवल होगा ना वो यहां पे कितने यूनिट्स का हो जाएगा 105 अभी भी आंसर 1050 जीरो फाइव जीरो बट दे वॉन्टेड सेफ्टी स्टॉक इसलिए आई हैड टू बी गोइंग टू दिस एक्सटेंड टू ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू जो मॉड्यूल के अंदर एक्सप्लेन नहीं है ओके बट पार्डन मी फॉर दैट इफ आई पुट अप अ क्वेश्चन आई ट्राई टू इंश्योर दैट वॉट एवर नॉलेज यू ऑल गेट इज द बेस्ट थिंग दैट यू ऑल कैन बी गेटिंग एज सच ओके एक बार मैं क्या करता हूं मैं ये चीज का ना एक्सप्लेनेशन वो पढ़ लेता हूं ओके okay, बराबर से पढ़ना Usually, ROL is calculated using 0% risk, that is 100% safety. In real life, no one keeps ROL using maximum consumption into maximum lead time, else carrying cost will be very high. That's what I told you. In real life, we compute minimum ROL, which is average consumption into average lead time. After that, we add safety stock to reduce our risk log bhi kar rahe. this safety stock will depend upon the risk that you are willing to be taking in part two company wants to take risk of 15% of being out of stock hence it wants to be 85% sure that it has stocks keeping a stock of 6 days will make the company sure to the extent of 75% for 10% extra safety it will have to be keeping stock for 7th day also is this all okay Yes, चलो ठीक yes, है अभी तुम लोग क्या करना तुम लोग ना तुम लोगों ने पार्ट टू करके लिखा हुआ है अपनी नोटबुक्स के अंदर उसके बाद ना ये सब कुछ जरा लिख लो एक बार ताकि तुमको पता चल जाए कि बफर स्टॉक एंड सेफ्टी स्टॉक आर नॉट सेम इस क्वेश्चन के ना बफर स्टॉक था ही नहीं क्योंकि देर इज अ सेवेंटी फाइव परसेंट चांस कि स्टॉक सिक्स डेज के अंदर आएगा तो जिसका भी मैक्सिमम चांस होता है वही एवरेज होता है बेटा अगर देखो एवरेज किसी और वे से करने का है देन वी विल वेट फॉर फाइनल टू हैपन ओके यू कैन डू इट यूजिंग द वेटेड एवरेज ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज ऑल्सो तभी सिक्स तो तो हाँ तभी वो सिक्स पॉइंट कुछ आएगा ओके okay? बट यहां पे यू ऑल कैन बी सीन जिधर प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है वी विल टेक दैट ओनली एज एवरेज ठीक है तो हाँ तो ये सब कुछ यू ऑल कैन राइट डाउन ये सब कुछ वो लिख लो चलो सुनो हम्म ये कर लो चलो पहले चलो सुनो अभी आप लोग पार्ट थ्री के अंदर ना सिर्फ उतना ही लिखोगे जितना तुम्हारी स्क्रीन पर अभी है लेकिन पार्ट थ्री के हिसाब से पार्ट थ्री के अंदर ज्यादा कुछ बदला नहीं है ओके सिर्फ वहां पे रिस्क का जो परसेंटेज है ना वो चेंज हो गया है तो जितना ये वाला पार्ट है ना जितना ये वाला पार्ट है सिर्फ यही वाला पार्ट एक बार पार्ट थर्ड के हिसाब से सॉल्व कर देना ओके अब मैं पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहा हूं अज्यूम दैट कंपनी इज विलिंग टू अज्यूम फाइव परसेंट रिस्क ऑफिंग आउट ऑफ स्टॉक वॉट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक एंड री ऑर्ड अ पॉइंट आप लोग डायरेक्टली स्टार्ट करो मेरे को डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं सिर्फ वही तीन लाइन के अंदर अभी खत्म कर देना चलो सुनो आई थिंक मिनिमम आर ओ एल तो वन फिफ्टी इंटू सिक्स ही रहेगा ऑब्वियस बात है नौ सौ मेरे को बोलो फाइव परसेंट का रिस्क लेने का है बोले तो कितने परसेंट का श्योरिटी फाइव परसेंट का रिस्क लेने का है कितने परसेंट का सेफ्टी नाइन्टी फाइव परसेंट तो सेवेंटी फाइव के ऊपर दस परसेंट पांच परसेंट पांच परसेंट बोले तो कितने डेज का सेफ्टी बेटा थ्री डेज वन फिफ्टी इंटू थ्री फोर फिफ्टी अच्छा सुनो अभी कोई मेरे को ऐसे पूछ सकता है सर इस क्वेश्चन के अंदर यहां पे फाइव परसेंट है अगर टू परसेंट होता तो सर टू परसेंट होगा ना तो मेरे को बोलो जरा कितने परसेंट का श्योरिटी फिर नाइनटी एट अभी तुम्हारी जिंदगी बीताएगी तुमको आंसर नहीं आएगा ठीक है लेकिन आई वेट फॉर फाइनेंस टू बी डूइंग दैट क्योंकि अगर दोज आंसर आर नॉट ओवर हियर नो देन देर इज समथिंगड कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करव दट वी ऑल यूज टू गेट दी आंसर वो तुम्हारे सी ए इंटर के पोर्स के अंदर नहीं है सी ए फाइनल के अंदर ठीक है तो तभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज यूजर देर इज अ प्रॉबीबिलिटी तुम लोगों ने जिंदगी में कभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करव कभी देखा yes, शायद कभी देखा हो ऐसा कुछ होता है पहाड़ टाइप करेक्ट नो यहां पर जेड का वैल्यू इज जीरो और इधर एक्स बार आता है करेक्ट नो no? yes, शायद ऐसा कभी देखा हो Forget it, अपने पोर्शन के अंदर नहीं है आई एम नॉट गोइंग इंटर के अंदर तो नहीं बताऊंगा। okay, सुनो। तो वो वाला चीज वो वो मत सोचना, वो इंटर सीए के अंदर तो नहीं पूछेगा, ठीक है? चलो लास्ट टफर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली से पार्ट टू और पार्ट फोर की वजह से ही करता हूं बाकी सब कुछ एक्चुअली बहुत लल्लू चीजें पार्ट फोर अज्यूम फाइव परसेंट स्टॉकउट रिस्क तो वो लोग ऐसा बोलता है कि ना पार्ट फोर्थ करते करते पार्ट थर्ड वाला सिचुएशन अज्यूम करो क्योंकि वहीं पर फाइव परसेंट का रिस्क था ना ओके व्हाट वुड बी टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग इन्वेंट्री फॉर वन ईयर मेरे को बोलो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग बोले तो सिंपल बोलो टीसीए नो टीसी ना बेटा वो लोग सीए थोड़ी पूछेगा सीए तो क्वेश्चन के अंदर ही है नौ काम खत्म हो गया ओके okay. वो लोग टीसीए पूछेगा ना यार एंड कैरिंग इन्वेंट्री फॉर वन ईयर बोले तो टीसीआई ठीक तो अपने को टीसीए का भी फॉर्मूला मालूम है टीसीआई का भी फॉर्मूला मालूम है को बोलते हैं सर टोटल करके तो टी का भी तो फॉर्मूला मालूम है वेट करेंगे क्योंकि आज तक ना मैंने जरा याद करो टीसीए और टीसीआई कोई भी क्वेश्चन के अंदर नहीं कंप्यूट किया जहां पे लीड टाइम था जरा याद करो ना अपना हिस्ट्री अपने पहले ईओ वाले क्वेश्चन के अंदर तो लीड टाइम नहीं आता था और जब से लीड टाइम साला आना स्टार्ट हुआ हम लोगों ने कभी टीसी TC और टीसीआई तो कंप्यूट ही नहीं किया ना आज तक तो ये एक लौता क्वेश्चन है एक्चुअली जहां पर टीसी TC और टीसीआई पूछा और लीड टाइम भी दिया अभी क्या है मेरे लिए बहुत बड़ा दिक्कत है क्योंकि ईओ के अंदर टीसी और टीसीआई आता है और इओ के अंदर एक अजम्पन है दैट लीड टाइम इज जीरो क्यू बाई टू का फॉर्मूला आया था करेक्ट नो ओके लेकिन अभी तो लीड टाइम आ गया इस क्वेश्चन के अंदर तो क्या करूं चलो ठीक है जो कर सकते हैं तो वो तो मारते हैं ना ट्राई ओके okay. लिखो पार्ट फोर टीसीए टी सी ए का फॉर्मूला तो लिखो क्यू बाई टू इंटू सी आई अच्छा मेरे को बोलो ए कितना है ए कितना है ए कितना है फिफ सॉरी इंटू सी ए सी ए सी सॉरी 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 ह्यूमन ह्यूमन एरर वो से हो जाता है कभी कभी तुम लोगों से नहीं होता सुनो एस फिफ्टी फोर था सेकेंड जब भी पार्ट फोर चालू हुआ ना उन लोगों ने लिख के दिया अज्यूम सिचुएशन ऑफ पार्ट थ्री अज्यूम सिचुएशन ऑफ पार्ट थ्री ओके तो जब मैं पार्ट फोर सॉल्व कर रहा हूं मेरे को पार्ट थ्री वाला सिचुएशन अज्यूम करना है ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि तुम लोग मेरे को बोल दो मैं इधर क्यू कितना लिखू वन थ्री फाइव जीरो एक काम जरा करो एक बार सॉरी बोलो सॉरी बोलो ऐसा सॉरी सॉरी घोंचू लोग सुनो वॉट इज वन थ्री फाइव जीरो बोलो वॉट इज वन थ्री फाइव जीरो अरे वॉट इज वन थ्री फाइव जीरो रीऑर्डर लेवल वॉट इज रीऑर्डर लेवल कितनी क्वांटिटी पर ऑर्डर करना चाहिए लेकिन क्यू का मतलब क्या होता है पागल लोग इट इज अ क्वांटिटी दैट यू ऑर्डर अब सब लोग मेरे को बोलना व्हाट इज क्यू मैं इधर क्या नंबर लिखूं? अरे क्यू मतलब ईओ क्यू नो तो इधर कितना लिखूं? 1800. इसकी वजह से क्वेश्चन टफ नहीं था अभी टफ आना बाकी है ओके फिफ्टी फोर थाउजेंड अपॉन अठारह सो इन नाइन थाउजेंड आंसर बता देना मेरे को बोलो टू लैक् सेवेंटी था अभी तुम लोग नहीं लिखना इसके बाद लिखना ही तो पाप हो गया तो तुम्हारे लिए सुनो अपना आज तक टीसीआई का इज नथिंग दैट आई हैव टोल्ड इट इज ए अपॉन क्यू इन टू सी ए बस ए इज फिफ्टी फोर थाउजेंड क्यू इज अ क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड सो पार्ट वन वाला इंटू नाइन इंटू नाइन थाउजेंड सी ए मैंने और कुछ वो बोला ही नहीं अभी तक ठीक है अब अब बोलने वाला है यह लिखना नहीं है लेकिन तुम्हारा टी सी आई का फॉर्मूला क्या था सर क्यू बाई टू इंटू सी आई आप ही नहीं सिखाया लेकिन ये क्यू बाई टू वाला फॉर्मूला एक मिनट क्यू बाई टू वॉज एवरेज स्टॉक नो अभी एवरेज स्टॉक वाला फॉर्मूला ही हिल जाएगा क्यों क्योंकि एवरेज स्टॉक मतलब ऑन एन एवरेज तेरे पास स्टॉक कितना था अभी क्यू बाय टू नहीं होगा मैं तुमको बोलता हूं क्यों जरा सोचना ध्यान से सुना मेरी बात यू विल ऑर्डर 1800 सो यूनिट स्टॉक विल बिकम जीरो यू विल अगेन ऑर्डर 1800 सो यूनिट अगेन स्टॉक विल बिकम जीरो अगर तुमको सिर्फ इतना बोलू ठीक है एवरेज स्टॉक विल बी 900 करेक्ट नो अठारह सो अपॉइंट टू नो लेकिन ने लेकिन 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 अभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि टेक्निकली स्टॉक एवर बिकम जीरो इट आई विल प्रूव इट जरा सोचो बराबर से सुनना बराबर से सुनना ये लास्ट चीज है बस इस क्वेश्चन का जो पार्ट फाइव है ना वो मेरे को एक मिनट ही जाएगा टू फिनिश सो डोंट वरी आल गिव यू ऑल द ब्रेक आफ्टर दैट सुन महीने ना 1800 यूनिट ऑर्डर किए 1800 यूनिट आ गए ठीक है जितने भी दिनों के बाद लेकिन 1800 यूनिट आ गए ठीक है बराबर से सुनना बराबर से सुनना मेरे को बोलो दिन का कितना यूनिट्स कंज्यूम होगा फटाफट बोलो अभी 150 फिफ्टी तो कैनवी से एक दिन के बाद स्टॉक 1650 हो गया दो दिन के बाद 1500 हो गया तीन दिन के बाद 1350 हो गया इज दिस ओके लेकिन वन थ्री फाइव जीरो इज नथिंग बट जब पार्ट फोर अपना स्टार्ट हुआ उन लोगों ने क्या बोला अज्यूम सिचुएशन ऑफ पार्ट थ्री पार्ट थ्री के अंदर क्या कंप्यूट किया था आर ओ एल तो तुम्हारा आर ओ एल कितना था बोलो 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 वन थ्री फाइव जीरो सो दिस इज योर आर ओ एल नो तो कैन बी से ऑन दिस डे मैं सप्लायर को फोन करेंगे और मैं उसको बोलेंगे आगे बोलो कि 1800 यूनिट भेजना यार करेक्ट नो no? मैं उसको वो ही बोलेगा ना तो इस लेवल पर मैं उसको ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं कि भाई मेरे को 1800 यूनिट तू भेज दे ठीक है अब जरा सोचो उसको आने के लिए टाइम भी तो जाएगा अब मेरे को सोच समझ के बोलना यूजली यूजुअली उसको आने के लिए कितना टाइम जाएगा छह दिन ना तो मोस्टली शुड कम इन सिक्स डेज लेकिन छह दिन तक तेरा कंजम्पन भी तो होता रहेगा तो अब बराबर से जरा देखना एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन छह दिन कैनवी से छह दिन बीत गए सप्लायर आ गया मेरे को बोलो सप्लायर कितना यूनिट अपने साथ लेकर आएगा एटीन हंड्रेड तो कैनवी से स्टॉक कितना हो जाएगा टू -डू फाइव ठीक है तो अभी तुम लोग फिर से अपना फैक्ट्री चलाओ तो और क्या जैसे चलती है डेढ़ यूनिट रोज का कंज्यूम होगा मैं स्पीड पकड़ रहा हूं ट्वेंटी वन हंड्रेड वन नाइन फाइव जीरो एटीन हंड्रेड वन सिक्स फाइव जीरो जीरो पॉज क्योंकि क्या आ गया वन थ्री फाइव जीरो बेटा वन थ्री फाइव जीरो तेरा क्या है आर ओ एल तो इन दिस पर्टिकुलर केस मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ठीक है वन थ्री फाइव जीरो तो मैंने इस लेवल के ऊपर ऑर्डर कर दिया कैन से स्टॉक छह दिन के बाद आएगा ठीक है तो बारह सो एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन, दिन ओके उसके बाद मेरे को जरा बोलो उस दिन के एंड तक कितने यूनिट्स और आ जाएंगे अठारह सो स्टॉक कितना हो जाएगा टू टू फाइव जीरो अभी देखो जो मैं तुमको बोलता हूं जो कहानी जो कहानी यहां से लेके यहां तक घटी ना आगे कोई बोलेगा अभी वो ही कहानी बार 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 तो घटती जाएगी ना ठीक है अभी मैं इनफाइनाइट तक ये वाला काम वो नहीं करने वाला तुमको समझ में आएगा यही वाला स्टोरी अभी बार बार रिपीट होता रहेगा ये जो ये वाली कहानी है बार बार रिपीट जो है होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी ठीक है ये वाली कहानी बार बार रिपीट होती रहेगी यहां पे भी टू टू फाइव जीरो से गिर के कहां तक चला जाएगा फोर फिफ्टी तक इज ओके और अब मैं देखो तुमको एक और चीज वो बोल रहा हूं ये जो मेरी स्टोरी थी ना ये अठारह वाली दिस विल ओनली हैपन वंस वेन द कंपनी स्टार्ट वरना हर थोड़ी देर के बाद ओनली दिस कहानी विल रिपीट इड सेल्फ नो करेक्ट yes. नो no? yes. तो कैन बी से एक सेकेंड वन डे टू डे थ्री डे फोर डे फाइव डे सिक्स डे सेवन डे एट डे नाइन डे टेन डे इलेवन डे ट्वेल्व डे ठीक है कैन बी से हर बारह दिन के बाद स्टॉक लेवल विल फॉल डाउन फ्रॉम बोलो 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 टू टू फाइव जीरो टू फोर फिफ्टी नो तुमको समझाई वाला चीज स्टॉक विल फॉल डाउन फ्रॉम बोलो एक बार टू टू फाइव जीरो टू टू फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी और उस दिन फिर नया स्टॉक आ जाएगा अगेन स्टॉक विल राइज टू 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 फाइव जीरो अगेन इट फॉल डाउन टू फोर फिफ्टी समझ में आता है सब लोगों को अच्छा आज तुमको एक और चीज समझ में आएगा जो मेरे अलावा तुमको कोई समझा ही नहीं सकता था क्योंकि कोई ऐसे तुमको बता ही नहीं सकता तुमको दिखाई देता है स्टॉक इज कंज्यूम्ड इवनली एंड इफ स्टॉक इज कंज्यूम्ड इवनली फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्टॉक विल अप्लाई एंड फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्टॉक विल बी नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक आगे बोलना आगे बोलना आगे बोलना प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन टू अपना कैलसी उठा अपना कैलसी उठा टू टू फाइव जीरो प्लस फोर फिफ्टी डिवाइडेड बाई टू इन एनी केस विल बी वन थ्री फाइव जीरो दैट इज ऑल्सो नथिंग बट द सेंटर नंबर नो सेंटर नंबर रेप्रेजेंट योर एवरेज इफ द कंजम्शन इज इवन करेक्ट नो ठीक है yeah. तो अब लास्ट लाइन बोल के मैं खत्म कर रहा हूं ये जो पहला वाला साइकिल था ना ये जो पहला वाला इसको मारो गोली ये तो जिंदगी में पूरी कंपनी के एक ही बार होने वाला है पूरी कंपनी की लाइफ टाइम के अंदर वो एक ही बार होएगा लेकिन उसके बाद यही वाला साइकिल चलता रहेगा वी से अगर हर 12 दिन का एवरेज स्टॉक इज 1350 पूरे साल का एवरेज स्टॉक इज आल्सो 1350 थ्री फाइव जीरो नो ओके ये 1350 तुम लोग जितना भी क्वालिफाई हो जाओ ओके okay, ऐसे तुमको कोई बता नहीं पाएगा एंड नाउ आई से द फाइनल थिंग ठीक है आई से द फाइनल थिंग ये 1350 मैंने तुम लोगों को बता दिया कि कैसे आया ठीक है 1350 थ्री फाइव जीरो विल बी नथिंग बट एव मेरे को पहले जरा बोलो इस क्वेश्चन q बाई टू वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं होता क्योंकि स्टॉक कभी जीरो नहीं होएगा ठीक है और अब तुमको देखो लास्ट चीज में बोल देता है लास्ट चीज लास्ट चीज लास्ट चीज बराबर से जरा देखना ये 1350 मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूं मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल प्लस आर ओ क्यू अपॉन टू मैंने बोला था उसका डेरिवेशन तुम लोगों को मैं कराऊंगा तो शायद यही उसका डेरिवेशन है क्यों बोलते हैं सर अगर ये करेंगे तो वन थ्री फाइव जीरो ही आता है क्या ट्राई करो वन थ्री फाइव जीरो ही आएगा एक मिनट मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल मेरे को बोलो कैसे कंप्यूट होता था बोलो 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 आरओ एल बोलो ना पहले आर ओ एल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम करेक्ट अच्छा तुम्हारा आर ओ एल जो है कितना था बोलो 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 वन थ्री फाइव जीरो माइनस एवरेज कंजम्पशन इज वन फिफ्टी एवरेज लीड टाइम इज कितना डे सिक्स तो ये वाला फिगर कितना आ जाता है फोर फिफ्टी फोर फिफ्टी प्लस अठारह सो अपॉन टू कैल्सी के ऊपर वर्कआउट कर लेना इन दिस केस विल बी वन थ्री फाइव जीरो फॉर्मूला दैट एवरी अदर बुक यूज इज एक्सेप्ट इंस्टीट्यूट दैट्स वॉट आई टोल्ड ऑन द फर्स्ट जी ऑल्सो दैट इज द ओनली फॉर्मुला विच इज करेक्ट फॉर एवरेज स्टॉक ओके तो इन दिस केस इंटू सी आई जो है वो कितना है थ्री हंड्रेड सो देव जीरो

We place the order. again. After three days, stock will come. One minute. Stock will be one three five zero, which is our reorder level. We place the order for one thousand eight hundred units on that day, which will usually come in six days. After six days, when our stock will come, our stock will be, our stock level will be, okay, one three five zero minus six days into one fifty. Bole four fifty units. On that day, we will receive eighteen hundred units. After getting the above, stock will become 2250 units. After 6 days, stock will again touch 1350. And again, we place the order for 1800 units, which will come after 6 days. Stock level will be 450 on the day whenever the stock will come. The above cycle will keep on repeating itself. Ab zara bas, the final words that you all need to be knowing. Baki sab is the explanation only. An average stock for every 12 days will be 2250 plus 450 divided by 2, that is 1350.

हाँ, जो रेड वाला है दैट इज द ओनली थिंग यू गॉट टू बी नोइंग ठीक है तो एक काम जरा करो तुम लोग ये वाला चीज पहले कॉपी कर लो हम्म सब लोग कॉपी कर लो एक बार टोटल अब कर देना टोटल कॉस्ट सिक्स लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड यहां पर लिख देना सी शॉर्ट्स फॉर एक्सप्लेनेशन बोल आप अलग अलग ही रख लो सो दैट्स ओके सो दैट्स ओके आपको अलग अलग रखना है आप अलग अलग रख लो मेरे को ऐसा लगता है दिस माइट बी दे द टोटल ऑफ दैट वॉट विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग एंड फॉर वन ईयर तो अगर टोटल कॉस्ट बताने का है तो ऐड कर देखो नहीं बताना तो मत पता दैट्स ओके हो जाएगा मेरे को बता दो पार्ट फाइव खत्म करते हैं उसके बाद पार्ट, पार्ट फाइव चलो चलो पार्ट फाइव अभी दिस इज द इजिएस्ट ये एक मिनट के अंदर अपना काम हो जाएगा रेफर टू द ओरिजिनल डेटा ओके वी विल रेफर टू द ओरिजिनल डेटा ठीक है अज्यूम यूजिंग प्रोसेस री इंजीनियरिंग दिस इज री इंजीनियरिंग नो प्रोसेस री इंजीनियरिंग फाइनेंस बहुत बड़ा एक टॉपिक भी है जहां पे हम लोग अपना ना मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बिल्कुल रीडिजाइन करते हैं ऑल्टरनेट मटेरियल ढूंढते हैं वी चेंज हाउ द प्रोडक्शन ठीक है दैट इज कॉल्ड एज री इंजीनियरिंग द कंपनी रिड्यूस इज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ परचेज ऑर्डर टू ओनली रुपीज सिक्स हंड्रेड टो यूजिंग दैट री इंजीनियरिंग वो लोग अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने रुपीज का कर डाला छे हजार सॉरी सिक्स हंड्रेड तो पहले कितने का था नाइन थाउजेंड हैव रिड्यूस इट टू सिक्स हंड्रेड ब्रिलियंट आगे अपने को क्या करने का द वेस्ट एंड लोग क्या बोलता है कि ना, अभी वो लोग बोलता है कि जब वेस्ट वगैरह भी कंसिडर वो करेगा ना अपना एक्चुअल कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाता है 720. कंप्यूट द ईओक्यू एक मिनट के अंदर वी विल फिनिश्ड उन लोगों ने क्या बदल दिया तुम्हारे लिए तो मेरे को बोलो सी ए और सी आई ओके तो उसके हिसाब से नया इओ क्यू वो निकालो और काम वो खत्म करो ना यार यू ऑल राइट डाउन, देखो पार्ट फाइव ए, इज़ इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ टू ए सी ए डिवाइडेड बाई सी आई इज इक्वल टू टू इंटू फिफ्टी फोर थाउजेंड इंटू सी ए सौ है अभी सी आई तीन सो नहीं ट्वेंटी थ्री हंड्रेड कैस्टिंग लिखना चलो लास्ट हाउ फ्रीक्वेंटली वुड द कंपनी बी प्लेसिंग एन ऑर्डर एज कंपेयर टू ओल्ड परचेजिंग पॉलिसी हाउ फ्रीक्वेंटली अपने को इन्वेंट्री साइकिल निकालने का होगा ऐसा कुछ वर्ड कभी जिंदगी में सुना इन्वेंट्री साइकिल तो सुना तो इंप्लीमेंट करो फिर तो लिखो इधर इन्वेंट्री साइकिल एक मिनट इन्वेंट्री साइकिल मैंने तुमको दो मेथड से सिखाया हुआ है। एक के अंदर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करता हूं मेरे को बोलो किसको किसके साथ ऑर्डर्स को डेज के साथ अगर वो करेगा तो मेरे को नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना पड़ेगा अभी तुम्हारे अंदर भी हिम्मत नहीं है और मेरे अंदर भी नहीं है अपना दूसरा मेथड क्या होता है यूनिट्स, यूनिट्स के साथ तो मैं यूनिट्स और डेज ही कर लेता हूं यार डायरेक्ट आंसर आता है अच्छा पूरे साल के अंदर फिफ्टी फोर थाउजेंड पूरे साल के अंदर थ्री सिक्सटी डेज अच्छा सुनो उन लोगों ने क्या लिखा हुआ था हाउ फ्रीक्वेंटली प्लेसिंग एन ऑर्डर एज कम्पेयर टू ओल्ड परचेजिंग पॉलिसी तो मैं क्या करता हूं एक बार ओल्ड वाला भी कर लेता हूं, एक बार न्यू वाला भी कर लेता मेरे को बोलो पुराने ईओ क्यू के हिसाब से एक बारी में कितना यूनिट ऑर्डर करते थे 1800 तो देख लो कितना डेज यहां पे लिख लेना और अभी 300 यूनिट ही ऑर्डर करेंगे तो फिर से निकाल लेना कितना डेज बस काम खत्म कितना कितना आता है बेटा ट्वेल्व डेज एंड टू है चलो विद दिस अपना ये वाला जो क्वेश्चन था ना इज कंप्लीटली ओवर अपने को जो भी करने का था शॉर्ट्स वगैरह भी जो पढ़ने का था सो ऑल दो थिंग्स दोन इसे ना तुम्हारा ईओ क्यू आर ओ एल ऑल दीज क्वेश्चन आर ओवर बाद में शायद एक क्वेश्चन आए इन्वॉल्विंग दीज थिंग्स इन अ स्मॉल वे एंड माइट बी सम अदर थिंग ऑल्सो ठीक है लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट टाइम ही करते हैं